أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to Web and Mobile Hybrid Application Development Class Number 17th Gauss and Basit if you people can confirm कि कितने students join हो चुके हैं Three above ठीक है we are waiting for 10 to 20 seconds let all students join the class कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको बतानी हैं वॉइस अब क्लियर है ओके जी कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी है कुछ चीज़ें समझानी है आज जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि अब से हर क्लास में जिस तरह लास्ट टाइम हमने आपको कैलकुलेटर बना के दिखाया था उसके लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें बना के दिखाई थी अब हर क्लास में हमारा इंशाल्लाह तरीक़ाकार कुछ ऐसा होगा कि हम इनिशियली आपको एक एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे उसी एप्लीकेशन को जिस तरह कैलकुलेटर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर के साथ हमने आपको दिया आप लोगों ने काम किया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप लोगों की रही आप लोगों ने सबमिट करवाया जिसके बिहाफ में अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी देखने को मिलता है कि हाउ डेडिकेटेड यू पीपल आर एंड हाउ मच एफर्ट यू पीपल विलिंगली वॉन्ट टू गिव इन दिस पर्टिकुलर कोर्स टू चेंज योर लाइफ सो दैट्स ग्रेट ये ज़बरदस्त चीज़ है कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो इंशाल्लाह आज के दिन भी बिल्कुल हम उसी तरीक़ेकार के साथ चलेंगे हम आप लोगों को सबसे पहले एक एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे एंड देन फर्दर मोर वी विल गो विद द टॉपिक्स फ्रॉम द बुक आज इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल दैट इज़ डॉम मैनिपुलेशन वो हम कवर करेंगे दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अब हम वो चीज़ें आप लोगों ने देखा कि हमने अलर्ट करना सीखा मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे हमने बेसिक चीज़ें देखी हमने इफ़ एंड एज स्टेटमेंट देखा फोर लूप देखा एरे देखा हमने उसके बाद जो है नेस्टेड लूप्स देखे वाइल लूप देखा हमने स्विच स्टेटमेंट देखा फंक्शन देखा हमने डेट एंड टाइम देखा बहुत सी चीज़ें हमने की जावास्क्रिप्ट के अंदर बट हमेशा आपके जहन में ये होता होगा सर ये सब चीज़ें लॉजिकल कर तो रहे हैं बट एट द एंड ऑफ द डे हाउ टू यूटिलाइज दीज थिंग्स तो ये चीज़ें अब आप लोगों को समझ में आएगी जब हम हर क्लास में आप लोगों के लिए इनिशियली एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे अच्छा एप्लीकेशन दो मकसद के तहत हम बना के दिखाएंगे एक तो आप लोगों के लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हो जब एक चीज़ होती भी नज़र आती है ना जब आप एक चीज़ देखते हो कि एक परफॉर्मेंस हो रही है एक काम हो रहा है तो उससे ये होता है कि अल्टीमेटली आप लोगों का भी मोराल बुलंद होता है और आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो तो मैं आगे के कुछ वीक्स के आज प्लानिंग्स भी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से आगे फर्दर चल रहे होंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में हम स्टॉप वॉच बनाना सीखेंगे आप लोगों ने अक्सर मोबाइल में देखा होगा या आप लोगों की घड़ी में भी ये फीचर होता होगा या डेस्कटॉप में भी ये फीचर होता है कि आप किस तरीके से अपने वॉच को स्टार्ट कर सकते हो आप किस तरीके से उसको स्टॉप कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको रीसेट कैसे कर सकते हो दोबारा 00 में तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले स्टॉप वॉच बनाना सीखेंगे एंड देन उसके बाद हम डॉम के मैनिपुलेशन आज की क्लास में सीखेंगे और उसके ब्याज में हम आपको जो असाइनमेंट देंगे वो स्टॉप वॉच से रिलेटेड ही होगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी नज़र में ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हैं
जो मेरी नज़र में बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, जो शायद दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, शायद वो उनसे बेहतर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये वो लोग हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें बना के हमसे शेयर करते हैं, मुझसे करते हैं, गौस से करते हैं, बासित से करते हैं, सर ये मैंने बनाया, ये मैंने काम किया। तो वो स्टूडेंट आप लोग खुद देखिएगा कि आगे, अच्छा हमारे पास नाम है, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मेरे जहन में अभी भी नाम है, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनको कुछ ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना चाह रहा। समटाइम्स होता है ना कि यार ओवर एफिशिएंट हो गया, चल भाई इतना काम कर लिया, अब 2 हफ्ते आराम करना है। तो हमारे पाकिस्तानी लोगों में ये भी मसला है। दूसरा मसला क्या होता है कि जो लोग काम नहीं कर रहे वो डिग्रेड हो जाते हैं कि सर ये तो अजीब हो गया, हम तो आपके दिए हुए असाइनमेंट्स तो करते हैं और हमें आप कह रहे हो कि वो हम बेहतरीन लोग ही नहीं हैं। तो भाई आप लोग बेहतरीन लोग तमाम हो, बट वो एक लेवल आपसे ऊपर है जो नए काम को करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ 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 आप तमाम लोगों से कोई रिक्वेस्ट है, गूगल भरा पड़ा है, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बेइंतहा है। आप लोग अगर सर्च करोगे एप्लीकेशंस इन जावास्क्रिप्ट यूट्यूब में, तो आपको 500 एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो हमने आज तक जितना पढ़ चुके हैं उसके हवाले से आप वो काम कर सकते हो। द मोर यू विल बी डूइंग द प्रैक्टिस, द मोर यू पीपल विल बी एबल टू गेट योर सेल्फ इन टू एफिशियंसी इन सच अ वे दैट यू पीपल विल डेफिनेटली बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो इन चीज़ों को आप समझें, इन चीज़ों को आप जहन नशीन करने की कोशिश करें, और आगे के जो नेक्स्ट वीक्स होंगे उसके प्लानिंग्स ये हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इनिशियली टू डू एप्लीकेशन आपको बनाना सिखाएंगे। आप टू डू लिस्ट होती है ना, मतलब अक्सर होता है कि आपके काम होते हैं ज़िंदगी के, तो आपके पास सैमसंग के मोबाइल में अपनी टू डू एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने काम डाल रहे होते हो, जो हो जाता है उसको चेक मार्क कर रहे होते हो, फिर डिलीट कर रहे होते हो, फिर डिलीट ऑल के फीचर्स होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे, उसके साथ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्लास इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट्स को हम देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम एक वर्सेटाइल क्विज़ एप्लीकेशन बनाएंगे। आज तक आप लोगों ने बहुत से इदारों में जाके क्विज़ दिया होगा ऑनलाइन, बट अगली से अगली क्लास में हम आपको वो क्विज़ एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे, एक बहुत वर्सेटाइल क्विज़ एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे कि जिसके थ्रू आप लोग बेहतरीन अपने, फिर हम जाहिर बात है हम एक यूआई पे लेके चलेंगे और लिमिटेड फीचर्स के साथ चलेंगे। आप लोगों को फिर एक्स्ट्रा टास्क देंगे, आप लोग काम करेंगे, आपका माइंड खुलेगा, अच्छे से काम कर पाओगे, सीख पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझानी थी। अच्छा, जैसे हम क्विज़ एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या प्लान था गौस, क्विज़ के बाद? हाँ, क्विज़ के बाद हमारा प्लान ये था कि हम एक कंप्लीट चैट एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे। उससे पहले हम फायरबेस का डेटाबेस करेंगे, हम जैसे ही क्विज़ एप्लीकेशन करेंगे आज से 2 हफ्ते के बाद, उसके बाद हम फायरबेस का डेटाबेस करेंगे और उसके साथ हम चैट एप्लीकेशन करेंगे। आज तक फेसबुक में आपने चैट किया होगा, आप लोगों ने व्हाट्सएप में चैट किया होगा। आप लोग कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो हमने सीखा ही क्या है, हम कैसे चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं, अपना मैसेंजर कैसे बना सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग बनाओगे, और वो एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा एफिशिएंट एप्लीकेशन होगी जो आप लोग बनाओगे आज से 3 हफ्ते के बाद, कि आप उसके थ्रू जो है ना, मतलब उसी चैट एप्लीकेशन के साथ अपने दोस्तों के साथ हु आर ऑन इंटरनेट कनेक्ट हो सकते हैं। हम फेसबुक से ऑथेंटिकेशन आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह 3 हफ्ते के बाद, जब हम फायरबेस कर रहे होंगे, तो उसके साथ हम फेसबुक की ऑथेंटिकेशन, यानी फेसबुक से जैसे लूडो स्टार टू आप खेलते हो ना, ये लूडो स्टार खेलते हो, तो फेसबुक से आप ऑथेंटिकेशन करते हो, सही है, और फेसबुक ऑथेंटिकेट यूज़र आईडी आपकी मैच करता है और आपको एप्लीकेशन की तरफ एंटर होने देता है। तो ये काम हम 3 क्लासेस के बाद आपको सिखाएंगे। ये हो गई चौथी क्लास, उसके बाद हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे और पैसा बनाना सिखाएंगे। एक पूरी क्लास हम लेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्रीलांसिंग। आज से ये जो अगली आने वाली 5 क्लासेस है ना, ये आपके कैरियर को बनाएगी। 5वीं क्लास में हम आपको फ्रीलांसिंग करना सिखाएंगे, क्लाइंट अप्रोच कैसे किया जाता है, क्लाइंट को किस तरीके से आप लोग प्रपोज कर सकते हो,
प्रोजेक्ट का कंटेंट क्या होना चाहिए, अगर अपवर्क पे कर रहे हो तो कैसे काम किया जा सकता है, फाइवर पे कर रहे हो तो अकाउंट कैसे क्रिएट की जा सकती है, आपकी गिग किस तरीके से वर्सेटाइल बनाई जा सकती है। तो आज से 5 क्लास जैसी क्रॉस होगी तो हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे और इंशाल्लाह वो वक्त आ जाएगा 5वीं क्लास में, बट वो उसका सफ़र आज से शुरू हो रहा है, आज से सफ़र शुरू हो रहा है क्योंकि अब आप लोग एप्लीकेशन बिल्डिंग सीख रहे हैं। 5वीं क्लास में हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे ताकि हम चाहते हैं आप लोग अपनी अर्निंग शुरू कर दो डॉलर में। और हमारा कितना होता है होगा, मतलब ये लोग जब पैसे कमा रहे होंगे डॉलर में, हम हर हफ्ते पार्टी करेंगे भाई, जिसने जिसने सबसे पहले डॉलर कमा लिया। अच्छा ये भी मैं बता दूं, हमारी इस ऑनलाइन क्लास में से जिसने $500 $500 सबसे पहले कमाया है ना, चाहे वो एक हो, सही है, एक डेडलाइन दूंगा मैं, उस डेडलाइन के अंदर जब आप जितनों ने भी $500 कमा लिया ना, तो कोलाची खोलने की जिम्मेदारी हमारी है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोलाची, और उनको हमारी तरफ से ट्रीट है, अभी से बता रहे, वो जितने भी होंगे 10 हो 15 हो 20 हो 50 हो, जिसने $500 फ्रीलैंसिंग से सबसे पहले कमा लिए हमारी दीवी डेडलाइन के अंदर वो। अच्छा फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि कहेंगे सर मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, या मैं पंजाब में हूँ, मैं सियालकोट में हूँ, मैं लाहौर में हूँ, अब हम कैसे कोलाची आए, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, कोलाची से लेके पार्सल भिजवा देंगे। नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम फिर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, और फिर जब हम लोग अक्सर व बेशतर लाहौर आते रहते हैं, इस्लामाबाद हम लोग भी आते हैं, तो इंशाल्लाह हम जब आपके पास आएंगे तो आपके साथ पार्टी करेंगे। तो स्टार्टिंग चाहे वो 100 हो 200 हो, यकीन करें हम लोग कंजूस नहीं है, पार्टी पक्का है। वो डेडलाइन के अंदर जो $500 कमा लेंगे उनके लिए हमारी तरफ से पार्टी पक्की है, और पार्टी भी नॉर्मल नहीं, क्या कहेंगे हम उसमें बासित, क्या खाएंगे हम वहाँ पे जाके, स्टेक खाएंगे, गॉस का फेवरेट स्टेक खाएंगे, और क्या खाएंगे। ये चीज़ें हैं, तो मतलब आज से लेके अगली 5 क्लास और उसके बाद 1 महीने का डेडलाइन होगा, जैसे ही 5वीं क्लास खत्म होगी उसके बाद 1 महीने का डेडलाइन होगा, जिसने उस 1 महीने में $500 प्लस कमा लिया है उसकी तरफ, उसके लिए हमारी तरफ से ज़बरदस्त सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि हम हमारी तरफ से गिफ्ट भी होगा, कोई टेक्निकल चीज़ें हम देंगे, लैपटॉप वगैरह तो ज़्यादा हो जाएगा, गूगल होम कह रहा है भाई, गॉस की तरफ से गूगल होम पक्का हो गया। तो ये चीज़ें हम देखें, एक दफ़ा जो हम कमिटमेंट, आपने आज तक देखा हमने जो कहा वो किया है, तो हम जो एक दफ़ा कमिटमेंट, अच्छा वो हम सैलानी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम टीचर्स ही होंगे क्योंकि डेफिनेटली सैलानी भी एक फलाही इदारा है, यहाँ पर गरीबों की मदद की जाती है, तो गरीबों की मदद के पैसों से आपको हम कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, हम आपको स्टेक नहीं खिला सकते, तो हम जितने पैसे हम जो कमाते हैं हम उसके पैसों से हम करेंगे आपके लिए। फिर हाँ जब आप $5,000 क्रॉस कर लोगे तो फिर हम आपसे पार्टी लेंगे, तो ये पक्का होना चाहिए भाई, पहले से ही हम कमिटमेंट सबसे करके बैठेंगे। ये प्लानिंग्स हैं, इस तरीके से हम लेके चलेंगे, तो आप लोग रेडी हो इसके लिए, आज की क्लास से शुरू हो रहा है, आप लोग रेडी हो, यस बताएं तो फिर हम काम शुरू करें। स्टॉप वॉच, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन है कि सर कार्ट ऐड टू कार्ट कैसे करते हैं, तो हम बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं, मसला ही नहीं है। बैकएंड हम करेंगे ना दोस्त, हमने कब बना किया, हम फायरबेस जैसे कंप्लीट करेंगे, सॉरी हम फ्रीलांसिंग का टॉपिक जैसे कंप्लीट करेंगे तो उसके नेक्स्ट क्लास में हम लिनक्स को कवर करेंगे, आप लोगों की इनरोलमेंट होगी लिनक्स के अंदर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में, और उसके बाद हम ECMAScript 6 पढ़ेंगे, 2 क्लासेस हम ECMAScript 6 पढ़ेंगे, और उसके बाद हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, देन हम रिडक्स करेंगे, रिएक्ट नेटिव करेंगे, मोंगो डीबी करेंगे, साथ में नोड करेंगे, एक्सप्रेस डॉट जेएस करेंगे, और एंड में माइक्रो सर्विसेज करेंगे यूजिंग डॉकर एंड क्यूबिनिटीज, ठीक है। और उसके बाद आप बन जाओगे लाखों के करोड़ों के बंदे और हमें लिफ्ट नहीं कराओगे, तो कोई मसला नहीं यार, हम तो बैठे ही इस वजह से हैं,
कि हम किसी तरीके से आपको कामयाब बना सकें, तो इस चीज़ की तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं यार, PHP सॉरी, हम नहीं करवाएंगे। अब इस तरह तो देखो लाइले लग गई सर, एंगुलर JS, PHP तो सही है, फिर हम 10 साल का कोर्स करते ही वाला और दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी आपको करवा देते हैं। भाई हम वो चीज़ करवा रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसके लोग कम हैं काम ज़्यादा है। अगर ये सीखने के बाद आप हमारे पास आओगे और कहोगे कि सर मैं, मुझे तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिला, मैं तो बेरोज़गार हूँ, तो उसकी दो वजह हो सकती है, या तो आप झूठ बोल रहे हो, या तो आपसे ज़्यादा दुनिया में बेवकूफ़ तरीन इंसान नहीं है इन सब चीज़ों को सीखने के बाद। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉप वॉच। गॉस, आप करवा रहे हो स्टॉप वॉच, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत डॉलर कमा लिए अभी से, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, उम्मीद है सब अच्छे खासे मोटिवेट हो गए होंगे, तो हम क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और अच्छा जी, अब जो एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं वो आप लोग बंद करें, ताकि हम लोग क्लास जो है वो अपनी स्टार्ट करें। क्लास पे आपको फोकस रखना है। आज जो हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐसी चीज़ें थोड़ी सी बता दूं, कुछ फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के जो कि बुक में तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ सबसे पहले। क्लास नंबर 62, 16, क्लास नंबर 16 है, 18 है। अच्छा ठीक है, एक फोल्डर मैंने यहाँ पे बना लिया है और इस फोल्डर को मैं, अच्छा आवाज़ के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग मुझे ज़रा क्लियर कर दें, आवाज़ जो है वो सबको आ रही है? वॉइस का इश्यू तो नहीं है? आप मुझे वॉइस बता दें कि सबको क्लियर आ रही है या नहीं। फारुक मलिक W11 में क्यों बैठे हो भाई? घर पे बैठ के क्लास लो आप। अच्छा जी, ज़रा आप सब क्लियर कर दें मुझे, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ कि आवाज़ बिल्कुल सही है। अच्छा, हवा की आवाज़ आ रही है, तो भाई बंद कर देते हैं, आप लोग गर्मी में मारोगे हमें। बासित, ज़रा ये पंखा बंद कर दो। अच्छा जी, क्लास 17 है, वो मैंने 18 कर दिया, तो चेंज कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा और दूर कर दो बस। नहीं, मैंने फोल्डर 18 के नाम से बना लिया। तो फोल्डर मैंने बना लिया, इसको मैं फिर से VS कोड के अंदर खोल लेता हूँ। अच्छा, उम्मीद है अब आवाज़ सबको मेरी क्लियर आ रही होगी, क्योंकि हमने फ़ैन भी काफ़ी दूर कर दिया है और लॉ पे चल रहा है वो, तो फिर भी आपको आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से हमने उसको पीछे ही हटा दिया। index.html की एक फ़ाइल मैंने बना ली, ठीक है, और एक मैंने app.js की भी फाइल बना ली। स्क्रिप्ट का टैग लगा के मैं अपनी जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कर लेता हूँ। SRC,
app.js। ठीक है जी, हमारा जो काम करने का तरीका है वो स्टार्ट हो गया है। मैं app.js की फाइल में आ जाता हूँ। अभी तक हमने फंक्शन पढ़ लिए, फंक्शन से किस तरह हम पैरामीटर गेट करते हैं, किस तरह से कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो फंक्शन की तकरीबन सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब मैं आपको दो ऐसे फंक्शन बताने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में। एक फंक्शन वो है जो बाय डिफॉल्ट बार बार रिपीट चलता है, रिपीट होता रहता है। मतलब एक दफ़ा आपने वो कॉल कर दिया, बार बार वो फंक्शन चलने लग जाएगा। और एक फंक्शन ऐसा है, आपने उसको कॉल कर दिया, कुछ टाइम बाद जाके वो कॉल होगा, कि जैसे ही आपने उसको कॉल करा वो थोड़ी देर बाद जाके कॉल होगा। अच्छा, दोनों फंक्शन के मैं नाम आपको बता दूं। अच्छा, नोट पैड में खोल लेता हूँ और उस पर मैं नाम लिख देता हूँ। अच्छा जी, तो नोट पैड हमने खोल लिया है। एक फंक्शन है हमारा जिसका नाम है सेट इंटरवल। ठीक है जी, ये फंक्शन क्या करता है, रिपीट चलता है। ठीक है जी, और एक हमारे पास है सेट टाइम आउट। अच्छा, ज़रा स्पेलिंग देख के बता दें, स्पेलिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं है, आप लोग काफ़ी निकालते हैं हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो दूसरे फंक्शन का नाम है सेट टाइम आउट। अब ये चलता है, ये चलता है कुछ टाइम बाद। ठीक है जी, दो फंक्शन है, एक हमारा जो फंक्शन है वो रिपीटेटिवली चलता रहता है बार बार। हम उसको एक टाइम डिफाइन कर देते हैं कि आप इतने टाइम के अंदर बार बार आपको रिपीट होना है, जब तक आपको रोका नहीं जाए, आपको रुकना नहीं है, आपको बार बार रिपीट होते रहना है। इतने टाइम बाद एक टाइम उसको हम डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह से एक फंक्शन है सेट टाइम आउट। ये फंक्शन है, इसमें हम टाइम डिफाइन करते हैं और इसको हम बोलते हैं कि इतने टाइम बाद आपको चल जाना है। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम सेट इंटरवल देख लेते हैं कि सेट इंटरवल किस तरह से चलता है। मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिख रहा हूँ सेट इंटरवल, इसके राउंड ब्रैकेट मैंने बना दिए। अच्छा, सेट इंटरवल एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, उसके अंदर हमें एक फंक्शन बनाना होता है, उसके अंदर हमें एक फंक्शन बनाना होता है, और इस फंक्शन का कोई नाम हम नहीं रखते, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन हमने बनाया है जो कि बार बार कॉल होगा। और अच्छा, दो दो वैल्यू ये हमसे लेता है, जो कि सेट इंटरवल है, ये दो वैल्यू हमसे लेता है, दो आर्गुमेंट लेता है। पहले आर्गुमेंट में ये लेता है फंक्शन, वो वाला फंक्शन जो बार बार चलेगा। ठीक है, और दूसरे आर्गुमेंट में ये लेता है टाइम, कि कितने टाइम बाद वो बार बार चलेगा। तो ये हो गई दो वैल्यू, पहली में लेता है फंक्शन, तो मैं फंक्शन यहाँ पे इस तरह भी दे सकता हूँ डायरेक्ट, या फिर मैं इस तरह भी दे सकता हूँ। मैं अलग से एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ टाइमर, और सेट इंटरवल के अंदर मैं रख देता हूँ टाइमर, और दूसरी वैल्यू ये लेता है टाइम। अच्छा, टाइम ये लेता है मिली सेकेंड्स के अंदर। मिली सेकेंड्स का तो आप लोग, मिली सेकेंड्स का आप लोगों को पता होगा कि 1000 मिली सेकेंड्स जो होते हैं वो तकरीबन 1 सेकेंड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1000 1000, मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसका मतलब ये है कि हर 1 सेकेंड बाद ये टाइमर वाला फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है जी, हर सेकेंड बाद टाइमर वाला फंक्शन रन हो जाएगा, जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं ये रुकेगा नहीं। पहले हम इसको चला के देख लेते हैं किस तरह ये चलेगा, और बाद में फिर हम इसके रोकने का तरीका भी देखते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ कंसोल डॉट लॉग रनिंग। ठीक है जी, मैंने फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर दिया रनिंग, और इस फंक्शन को मैंने दे दिया सेट इंटरवल में टाइमर, और इसको टाइम मैंने डिफाइन कर दिया 1 सेकेंड। अब हर सेकेंड बाद ये फंक्शन चलना चाहिए बार बार, तो इसको मैं चला के देख लेता हूँ। अपनी index.html की मैंने फाइल ओपन कर ली और मैंने कंसोल खोला। मेरा सिस्टम शायद थोड़ा सा हैंग कर रहा है।
तो ये देखें, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि रनिंग जो है ये बार बार चल रहा है। 21 टाइम्स ये चल गया, 23, 24। अब क्या हो रहा है ये, मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दूँ जो लोग अभी आए या फिर जिनको समझ में ना आया हो, कि हमने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस देखे थे काफ़ी सारे। तो इसी तरह का एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमारे पास मौजूद है, सेट इंटरवल। ठीक है जी, वो क्या करता है, दो आर्गुमेंट्स आपसे लेता है। पहले आर्गुमेंट में दो वैल्यूज आपसे लेता है, पहली वैल्यू में आपको देना होता है फंक्शन और दूसरी वैल्यू में आपको देना होता है टाइम कि कितने टाइम बाद फंक्शन रिपीट होना चाहिए। तो मैंने फंक्शन के अंदर एक टाइमर नाम का फंक्शन बनाया और यहाँ पे डिफाइन कर दिया। दूसरी वैल्यू में मैंने दे दिया 1000। अच्छा, टाइम ये हमेशा मिली सेकेंड्स में लेता है। जी दानिश, ये 1000 जो मैंने लिखा है इसका मतलब है मिली सेकेंड्स। 1000 मिली सेकेंड्स हो गए हमारे 1 सेकेंड्स। तो अगर ये चीज़ किसी को समझ में ना आ रही हो कि कितने मिली सेकेंड सेकेंड्स बनते हैं, तो वो गूगल से कन्वर्टर यूज़ करके भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है, इसका मतलब हर सेकेंड बाद मेरा फंक्शन रन होगा। तो मैं इसको चला के भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने पेज को रिफ्रेश करा तो ये एक दफ़ा रनिंग आ गया, ये दूसरी दफ़ा आ गया, तो आप काउंटर देख सकते हैं कि रनिंग जो है वो बार बार कंसोल के अंदर प्रिंट हो रहा है। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बता दें कि आप लोगों को सेट इंटरवल का फंक्शन समझ में आ गया है कि क्या काम कर रहा है वो। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बासित, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता दें कि सेट इंटरवल आपको समझ में आ गया। अच्छा, सेट इंटरवल बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है, जैसे ही आप सेट लिखने जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा सेट इंटरवल। ठीक है जी, तो ये हमें पता चल गया कि सेट इंटरवल का एक फंक्शन है जो कि बार बार रिपीट होता है। अब हम एक चीज़ और देखने जा रहे हैं। मैंने एक और फंक्शन यहाँ पे बनाया और इसका नाम मैंने रख दिया टाइम आउट, और मैंने यहाँ पे कराया कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैंने रख दिया रनिंग। ठीक है, अब जैसे हमने यूज़ करा था सेट इंटरवल, उसी तरह से हम यूज़ कर रहे हैं सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट ये क्या करता है, ये भी दो वैल्यू लेता है, पहली में फंक्शन दूसरी में टाइम, लेकिन फर्क क्या है, वो बार बार चलता है, ये सिर्फ एक बार चलता है। इसको मैंने बता दिया फंक्शन का नाम टाइम आउट, दूसरी वैल्यू में मैंने इसको बता दिया 3000। 3000 का मतलब 3 सेकेंड। अब ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब 3 सेकेंड खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं अपनी फाइल रन करूंगा ब्राउजर पे, 3 सेकेंड बाद ये फंक्शन चला देगा। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं जल्दी से। मैं आया, मैंने पेज को रिफ्रेश करा तो ये देखें 1 2 3 और ये चल गया। ठीक है, 3 सेकेंड बाद ये रन हो गया और उसके बाद ये नहीं चला, ये एक बार चला और इसमें जो टाइम हमने डिफाइन करा था उतने टाइम बाद चला। तो इसको एक दफ़ा मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा, मैं काउंट कर लूँगा सेकेंड 1 2 और 3 और ये चल गया। तो तकरीबन 3 सेकंड बाद ये चला है। तो जितना टाइम आप यहाँ पे देंगे, आप यहाँ पे 5 सेकंड भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे 10 सेकंड भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आप टाइम दे सकते हैं। तो ये दो फंक्शन ऐसे थे जो कि टाइम को कंट्रोल करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फरहीन फातिमा, 1 टाइम चलेगा। जी बिल्कुल, ये 1 टाइम चलेगा, सेट टाइम आउट 1 टाइम चलेगा और सेट इंटरवल जो है वो मल्टीपल टाइम चलेगा, बार बार चलेगा, जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं वो चलता रहेगा। अब सेट इंटरवल को रोकने का क्या तरीका है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखें। नीचे वाले फंक्शन को मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ और वेरिएबल के अंदर मैं रख रहा हूँ काउंट, और काउंट की वैल्यू मैंने रख दी 0। ठीक है जी, अब मैं यहां पे आता हूं और मैं करता हूं काउंट प्लस प्लस, ये तो आपको पता होगा इंक्रीमेंट के लिए हम यूज करते हैं।
और साथ साथ मैं टाइम को कंसोल भी करा लेता हूँ। अब क्या होगा कि सेट इंटरवल मैंने लगाया और इसमें मैंने टाइम डिफाइन कर दिया 1 सेकेंड, हर सेकेंड बाद ये फंक्शन चलेगा। सबसे पहले वो काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट को प्लस करेगा और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग काउंट, काउंट को कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देगा। तो काउंट प्लस होता रहेगा और प्रिंट भी होता रहेगा। तो हम देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। हम ब्राउज़र पे आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो काउंट की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह से ये काउंटर हमारा स्टार्ट हो गया। अब ये जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं ये चलता रहेगा, जब तक इसको मैं रोकूंगा नहीं ये चलता रहेगा। आप इससे कुछ भी काम ले सकते हैं। तो हमने इससे टाइमर का काम ले लिया। अब इसको रोकने का तरीका क्या है? इसको रोकने का तरीका ये है कि सेट इंटरवल जो है इसको मैं रख दूंगा एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इसका नाम मैंने रख दिया इंटरवल। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने इसको खाली रखा है, मतलब अभी इसमें मैंने इसको मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, मतलब इसमें कुछ वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं करी है। बिलाल शेख, ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? बिल्कुल, अभी हम आपको स्टॉप वॉच बना के दिखाएंगे कि इससे स्टॉप वॉच किस तरह बनती है। पहले आप फंक्शन समझ लें, उसके बाद मैं आपको स्टॉप वॉच बना के दिखाता हूँ। इंटरवल के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और नीचे आके मैंने इंटरवल के अंदर सेट कर दिया सेट इंटरवल वाले फंक्शन को। अब जब भी मैं इंटरवल कॉल करूँगा, इंटरवल में कंसोल करूँगा, इसका मतलब सेट इंटरवल का जो फंक्शन है वो मेरे पास उठ के आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने रन करा हुआ है, कॉल करा हुआ है, इसका मतलब ये रन भी होगा। तो इसको हम चला के देख लेते हैं अभी ये रनिंग है या नहीं। मैंने पेज रिफ्रेश करा तो ये 1, 2, 3, तो हमारा जो फंक्शन है वो चल रहा है। सिर्फ हमने इतना करा है कि इंटरवल का एक वेरिएबल बनाया और इस फंक्शन को इंटरवल वेरिएबल के अंदर रख दिया। ठीक है, इंटरवल वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये फंक्शन चले और जब 5 सेकेंड हो जाएँ, 5 सेकेंड हो जाएँ, 5 सेकेंड बाद ये रुक जाए, 5 सेकेंड बाद फंक्शन रुक जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है, कुछ टाइम बाद चलता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा सेट टाइम आउट और इसके अंदर मैं एक फंक्शन, अच्छा फंक्शन आप ऊपर भी बना सकते हैं और डायरेक्टली फंक्शन आप इसके अंदर भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, फंक्शन आप इसके अंदर भी बना सकते हैं और फंक्शन आप अलग से सेपरेट भी बना सकते हैं। और टाइम में मैं इसको बोलूँगा 5000, मतलब 5 सेकेंड बाद चलना है। 5 सेकेंड बाद जब ये चलेगा, अब सेट इंटरवल को जो रोकने का तरीका है, मैंने आपको बताया था सेट इंटरवल बार बार चलता है, इसको जब तक हम रोकेंगे नहीं ये चलता रहेगा। अब इसको रोकने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको रोकने का तरीका है क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल के नाम से एक फंक्शन है, उसके अंदर यह फंक्शन हमें दे देना है, जो भी फंक्शन हमने चलाया था वो फंक्शन हमें उसके अंदर दे देना है। अब ये फंक्शन हमने कहाँ रखा था, इंटरवल वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, क्लियर इंटरवल के अंदर इंटरवल वाला वेरिएबल दे दूंगा। तो ये क्या करेगा, 5 सेकेंड तक फंक्शन चलाएगा, उसके बाद उसको स्टॉप कर देगा। अच्छा, ये देख लें एक दफ़ा कि ये चल किस तरह रहा है, फिर मैं आपको एक दफ़ा से लॉजिक जो है वो रिपीट भी कर देता हूँ। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, मैं रिफ़्रेश करा तो ये चला 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है जी, 5 तक ये चला और ये रुक गया। अभी आप इतना देख लें कि हमने एक टाइमर चलाया जो कि 5 तक चल रहा है और वो रुक गया है। अब जिसको समझ में नहीं आया, मैं जल्दी से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ लें, उसके बाद हम स्टॉप वॉच बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमने क्या करा, एक काउंट का वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने वैल्यू रख दी 0। एक और वेरिएबल मैंने बना लिया उस इंटरवल, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं करी, सिर्फ मैंने डिक्लेयर करा है, वैल्यू डिफाइन नहीं करी। इसका मतलब ये मैं उसमें वैल्यू डिफाइन बाद में करूँगा। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया टाइमर के नाम से, उस फंक्शन के अंदर मैंने काउंट को इंक्रीमेंट करवाया। काउंट क्या है, मेरा वेरिएबल है, उसको मैंने इंक्रीमेंट करवा दिया और कंसोल डॉट लॉग करा दिया काउंट को। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या करा, इंटरवल के वेरिएबल के अंदर मैंने फंक्शन सेट करवा दिया सेट इंटरवल। सेट इंटरवल फंक्शन क्या करता है, रिपीटिवली चलता है, मतलब इसमें कोई भी फंक्शन हम दे देते हैं वो बार बार रिपीट होता है। तो टाइमर वाला जो फंक्शन था मैंने इसकी वैल्यू में दे दिया
और दूसरी वैल्यू में ये हमसे लेता है टाइम, टाइम ये हमसे लेता है मिली सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 1000, 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद ये बार बार चलेगा, ठीक है। तो ये कॉल हो गया, तो इसने ये फंक्शन चलाना शुरू कर दिया होगा। अब जब फर्स्ट टाइम ये फंक्शन चला, इसने काउंट को प्लस प्लस करा, काउंट की वैल्यू हो गई 1, इसने कंसोल डॉट लॉग कर दिया काउंट। तो दोबारा से जब ये चला, काउंट की वैल्यू क्या थी, 1 हो चुकी थी, तो उसने काउंट की वैल्यू को दोबारा से इंक्रीमेंट करा और प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से ये फंक्शन बार बार चल रहा है। अब इसको रोकने का क्या तरीका है, अब फंक्शन चल तो गया है, वो बार बार चले जा रहा है चले जा रहा है, अब इसको रोकने का भी एक तरीका है। एक और फंक्शन हमने पढ़ा था सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या करता है कि एक ही बार चलता है, लेकिन उसको हम बता देते हैं एक स्पेसिफिक टाइम, उसको हम बताते हैं कि इस टाइम बाद आप कॉल हो जाना। कि अगर मैंने इसको बोल दिया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद आप चल जाना, तो 5 सेकेंड बाद ये फंक्शन हमने चलाया, और इसके अंदर जो एक फंक्शन है क्लियर इंटरवल, ये क्या करता है, जो कि सेट इंटरवल हमारा बार बार चल रहा होता है उसको स्टॉप कर देता है। क्लियर इंटरवल फंक्शन क्या करता है, सेट इंटरवल को स्टॉप कर देता है। अच्छा, सेट इंटरवल मैंने कहाँ पे सेव करा था, इंटरवल के वेरिएबल के अंदर। तो मैंने क्लियर इंटरवल के अंदर इंटरवल वाला वेरिएबल पास कर दिया, तो इसने क्या करा, सेट इंटरवल को स्टॉप कर दिया। तो देखें यहाँ पे मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ, मैंने रिफ्रेश करा तो ये एक बार चला, दो बार चला, तीन बार चला, चार बार चला और पांच बार चला, और फिर ये रुक गया। पांचवी बार क्यों रुका, क्योंकि मैंने सेट टाइम आउट फंक्शन बनाया था और उसमें मैंने 5 सेकेंड लगाए थे कि 5 सेकेंड बाद क्लियर हो जाए। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि ये चीज़ आपको क्लियर है, तो फिर हम स्टॉप वॉच बनाना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताएं। जी फरीन फातिमा, 5 सेकंड बाद हमने उसको रोका है, इस वजह से वो रुक गया है। ठीक है, सब सबको समझ में आ गया है। तो हम अब स्टॉप वॉच बनाते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा हो गया, सबको काफ़ी जल्दी समझ में आ गया है। तो अब हम स्टॉप वॉच बनाते हैं। आप लोगों को फोकस यहाँ रखना है, सबसे पहले मैं HTML बनाऊंगा। अच्छा, HTML में कोई मुझसे सवाल ना करे कि सर ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया। HTML CSS तो आप खुद भी बना सकते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी HTML CSS बना देता हूँ। आप ये नहीं बोलिएगा सर बहुत तेज़ भाग रहे हैं, HTML CSS तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो मैं HTML CSS थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, और उसके बाद जब JavaScript में लगाऊंगा तो फिर मैं स्लो चलूंगा, ठीक है जी। तो मैं अभी JavaScript ये कमिट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं आ जाता हूँ HTML की फाइल के ऊपर। HTML की फाइल के ऊपर मैं आया और मैंने यहाँ पे एक बना लिया div, ठीक है जी। div में मैंने दे दिया H2, इसमें मैंने रख दिया 0, ठीक है। उसके बाद मैंने बना दिया एक और H2, एक और H2। अच्छा, ये तीन H2 मैंने क्यों बनाए, एक में आ जाएंगे हमारे मिनट्स, दूसरे में आ जाएंगे हमारे सेकेंड्स, और थर्ड वाले में आ जाएंगे मिली सेकेंड्स, ठीक है जी। क्लियर है सबको ये बात। अब मैं बनाता हूँ एक और div, और इसके अंदर मैं रखता हूँ बटन्स। एक बटन हो गया स्टार्ट का, दूसरा बटन हो गया स्टॉप का, और तीसरा बटन हो गया रीसेट का, ठीक है जी। स्टॉप वॉच में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टार्ट जिससे वो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा होता है स्टॉप रुक जाती है, और तीसरा होता है रीसेट। रीसेट क्या करेगा, दोबारा से 0 पे ले आएगा तो रीसेट हो जाएगा। तो बूट स्ट्रैप वगैरह जो भी आपको लगानी है वो आप खुद लगाइएगा, मैं एक सिंपल सी HTML बना रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है, तो आप लोग इसको अच्छा करके बना लिएगा। अच्छा, थोड़ी सी स्टाइलिंग भी मैं लगा लेता हूँ HTML की फाइल के अंदर ही। मैं बॉडी का कलर बोल देता हूँ ब्लैक, बैकग्राउंड कलर मैं बॉडी को दे रहा हूँ ब्लैक, के और H2 को मैं इनलाइन कर रहा हूँ, और कलर में कर रहा हूँ H2 का वाइट ताकि नज़र आए, और मैं इसको कर रहा हूँ डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। इसको रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं, पाउज भी होता है, हाँ वही स्टॉप कर लें या पाउज कर लें एक ही बात है।
मैं इसको बंद करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये हमारा ये तीन चीज़ें बनी हुई आ गई हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ, इसको सेंटर ले आता हूँ, बॉडी को मैं कर देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये सेंटर आ गया, ठीक है। या फिर मैं इसको H1 कर देता हूँ ताकि ये और बड़ा हो जाए। मैंने इसको H1 कर दिया और ऊपर भी मैंने H1 कर दिया ताकि हेडिंग थोड़ी सी बड़ी नज़र आए। रिफ्रेश करा तो ये बड़ी हो गई, ठीक है। अब एक बटन है स्टार्ट का, दूसरा है स्टॉप का और तीसरा है रीसेट का। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ H1 को, कितनी 100 पिक्सल दे देते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, बल्कि बैकग्राउंड इसका मैं करता हूँ वाइट और कलर मैं इसका करता हूँ ब्लैक, ताकि थोड़ा सा क्लियर आपको नज़र आ जाए, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब इस पे विद क्यों नहीं अप्लाई हुई, इस पे विद अप्लाई नहीं हुई, क्या इशू आ सकता है? अच्छा, डिस्प्ले इनलाइन हमने दिया हुआ है। डिस्प्ले इनलाइन क्या करता है, उसका मार्जिन पैडिंग वेद वगैरह जो है वो सब खत्म कर देता है। अच्छा, मैं कहाँ CSS आपको पढ़ाने लग गया, मैं जल्दी से खुद बना देता हूँ, ये तो आपको पता होगा। इनलाइन ब्लॉक मैंने जैसे ही करा अब वो विद भी ले लेगा। तो एक आ गया हमारा टाइम, वो मिनट सेकेंड और मिली सेकेंड, तो ये सिंपल सी। अच्छा, एक ऊपर हेडिंग भी मैं डाल देता हूँ ताकि पता चले हाँ भाई स्टॉप वॉच बन रही है। एक और मैंने डिव बनाया, यहाँ पे मैंने एक वन हेडिंग डाली और मैंने लिख दिया स्टॉप वॉच, ठीक है जी, स्टॉप वॉच बन रही है। और ये सिंपल सी एक अच्छी UI मैंने बना ली है। अब मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ JavaScript, ठीक है। अब क्या करना है, ID देनी है, क्योंकि हमें मिनट्स भी गेट करना है, हमें सेकंड भी गेट करना है और मिली सेकेंड भी। तो मैं ID दे देता हूँ H1 को, इस वाले को मिनट्स, मिन दे देता हूँ शॉर्ट में, इसको मैं ID दे देता हूँ सेकेंड, शॉर्ट के अंदर सेक लिख दिया, और मिली सेकेंड को मैं ID दे देता हूँ M सेक मिली सेकेंड। ये तीन IDs मैंने दे दिए, एक हो गया मिनट, एक हो गया सेकेंड और एक हो गया मिली सेकेंड, ठीक है जी। अब एक फंक्शन में बना लेता हूँ JavaScript में, जो के बल्कि यहाँ पे एक काम पहले ये करता हूँ, यहाँ पे भी तीन वेरिएबल बना लेता हूँ। एक में मैंने रख दिया मिनट्स, इसमें 0, एक में मैंने रख दिया सेकेंड, इसमें भी 0, और एक में मैंने रख दिया मिली सेकेंड, ठीक है जी। तीन वेरिएबल्स मैंने बना लिए। अब क्या करना है मुझे, ये तीनों जो H1 है इनको मुझे JavaScript में गेट करना है ताकि मैं इसके अंदर वैल्यू सेट करवा सकूं, ठीक है। तो मैं इनको भी गेट कर लेता हूं, मेन हेडिंग के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, क्या ID दी थी मैंने मेन को, मेन करके ID दी थी, तो मैंने यहाँ पे मेन दे दिया। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिली सेकेंड हेडिंग, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेकेंड और इसको मैं कर देता हूँ मिली सेकेंड। अभी तक कोई इतना मुश्किल हमने काम नहीं करा है, हमने सिर्फ क्या करा है, HTML में तीन हेडिंग्स ली हुई हैं, उसको हमने ID दे दी, एक मिनट, एक सेकेंड और एक मिली सेकेंड, और उन तीनों IDs को हमने JavaScript में गेट कर लिया। क्लियर है सबको? अब क्या करना है, हमें एक फंक्शन चलाना है जो कि रिपीटिव बार बार चले, बार बार चले, जो कि फंक्शन हमने पढ़ा था सेट इंटरवल के नाम से। तो अच्छा, हम यहाँ पे बना लेते हैं इंटरवल के नाम का एक वेरिएबल इंटरवल, ठीक है, उसको रख देते हैं खाली। अब यहाँ पे एक बनाते हैं फंक्शन टाइमर के नाम से, ठीक है। टाइमर के नाम से एक फंक्शन मैंने बना लिया है और इसमें मैं करूँगा मिली सेकेंड को इंक्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले मिली सेकेंड्स इंक्रीमेंट होंगे, मिली सेकेंड जब 100 तक पहुंच जाएंगे तो सेकेंड इंक्रीमेंट हो जाएगा, सेकेंड जब 60 पे पहुंच जाएगा तो मिनट इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हम करते हैं, पहले हम मिली सेकेंड इंक्रीमेंट करवाते हैं।
सफीस अक्लेन डॉम आप पढ़ेंगे, पहले स्टॉप वॉच हम बना लें, डॉम भी पढ़ेंगे। इसमें डॉम का कुछ काम नहीं हो रहा, तो इस वजह से पहले हम स्टॉप वॉच आपको बता के दिखा रहे हैं। मिली सेकेंड को मैंने इंक्रीमेंट करवाया और मैंने कहा मिली सेकेंड को आप, अच्छा इंक्रीमेंट तो हो गया, अब मुझे HTML में कहाँ शो करवाने हैं, जो कि मैंने मिली सेकेंड की हेडिंग बनाई थी उसके अंदर शो करवाने। और यहाँ पे मैंने गेट भी करी हुई है एम सेक हेडिंग के नाम से, मिली सेकेंड हेडिंग के नाम से, तो मैं यहाँ करूँगा मिली सेकेंड हेडिंग डॉट इनर HTML और इसके अंदर एम सेकेंड। अब ये क्या करेगा, टाइमर जब फंक्शन मेरा चलेगा मिली सेकेंड को इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद उसको HTML में डाल देगा। तो हम सेट इंटरवल फंक्शन लगा देते हैं, इंटरवल के अंदर मैंने कहा सेट इंटरवल, इसके अंदर पहली वैल्यू में मैंने दे दिया टाइमर वाला फंक्शन, दूसरी वैल्यू में मैंने दे दिया टाइम, टाइम में इसको देता हूँ 100 या 10, 10 दूंगा ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया बासित, 1000, 1000 हो गया, एक सेकेंड हो जाएगा फिर, तो 10 मैंने इसको दे दिया। तो ये मिली सेकेंड बाद, मतलब मिली सेकेंड के हिसाब से अब ये चलेगा जल्दी 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 जल्दी। तो पहले इसको मैं चला के देख लेता हूँ, पहले मैं इसको चला के देख लेता हूँ रिफ़्रेश करके कि मिली सेकेंड बन रहा है या नहीं। मैंने रिफ़्रेश करा तो ये देखें मिली सेकेंड कितना तेज़ भाग रहा है। मिली सेकेंड वाला तो काम हो गया, ठीक है, मिली सेकेंड चले जा रहे हैं, चले जा रहे, चले जा रहे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंडीशन लगानी है कि मिली सेकेंड जब 100 तक पहुंच जाए तो सेकेंड में आप इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है जी। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ एम सेकेंड अगर 100 तक पहुंच जाए या 100 से ज़्यादा हो जाए तो किसको प्लस कर दो, सेकेंड्स को, सेकेंड को इंक्रीमेंट करो और सेकेंड की हेडिंग में सेकेंड को इंसर्ट कर दो, इनर HTML सेकेंड। अच्छा उबैद नदीम, ये 100 मल्टीप्लाई बाय वो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो मिली सेकेंड का हिसाब है। 10 मैंने इसलिए दिया है ताकि ये मिली सेकेंड की रफ्तार से चले। अगर हम 1000 दे रहे थे तो ये क्या चल रहा था, एक सेकेंड के बाद चल रहा था, अब हमें सेकेंड के बाद नहीं बल्कि मिली सेकेंड के बाद चलाना है, तो इस वजह से मैंने 100 दिया है। तो काफ़ी लोग ये सारे फॉर्मूले जानते होंगे, हम लोग कॉलेज वगैरह और स्कूल वगैरह में भी ये सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं कि कितने मिली सेकेंड अगर हम कन्वर्ट करें तो सेकेंड बने, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 10 दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा ली, एम सेकेंड जब बड़ा हो 100 से सेकेंड प्लस कर दो और सेकेंड वाली हेडिंग में सेकेंड को इंसर्ट कर दो। तो हम चेक करते हैं कि ये काम हो रहा है, मैंने आ जा मैंने रिफ़्रेश करा तो ये 100 जैसी होगा, अरे वो 100 वो भागे जा रहा है, क्यों भाग रहा है, क्यों भाग रहा है कि मिली सेकेंड 100 से बड़ा हो गया तो वो उसमें इंसर्ट करे जा रहा है, बार बार इंसर्ट करे जा रहा है, तो हमें इसको कंट्रोल करना होगा। अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड प्लस प्लस तो हो गया, अब हमें क्या करना है, मिली सेकेंड को दोबारा से ज़ीरो करना है ताकि जब मिली सेकेंड 100 हो जाए सेकेंड प्लस हो और मिली सेकेंड दोबारा से ज़ीरो हो जाए तो फिर वो जाके कंट्रोल होगा। तो मैं नीचे आया, मैंने कहा मिली सेकेंड में आप कर दो ज़ीरो, मिली सेकेंड के नाम से वेरिएबल था उसमें मैंने दोबारा से ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, मैंने रिफ़्रेश करा 100 पे आया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो कितनी अच्छी ये स्टॉप वॉच बन गई है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ हमने मिली सेकेंड और सेकेंड की फंक्शनैलिटी कर ली है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या करा है हमने, ये ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं और हेडिंग्स गेट करी हुई हैं। टाइमर का फंक्शन जब चला इसने क्या करा, मिली सेकेंड को इंक्रीमेंट करा। अब ये कितनी स्पीड से चल रहा है, टाइमर का फंक्शन कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 की, 10 की स्पीड क्या बनी, मतलब 1 मिली सेकेंड या 100 मिली सेकेंड आप समझ लें, ठीक है। तो 100 मिली सेकेंड चलेंगे 100 बार। आप मुझे ये बताएं कि 100 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या बना, 1000, मतलब 10 जो है वो उसको मल्टीप्लाई 100 बार करेंगे 1000 बन जाएगा। तो 1000 का मतलब क्या था, एक सेकेंड, एक सेकेंड हो गया। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि ये 10 जो है वो अगर 100 तक आ जाए तो सेकेंड आप प्लस कर दो, ठीक है, सेकेंड प्लस कर दो और सेकेंड वाली हेडिंग में आप सेकेंड को इंसर्ट कर दो।
सेकंड को आप इंसर्ट कर दो और मिली सेकंड को आप दोबारा से जीरो कर दो। मिली सेकंड को दोबारा से जीरो क्यों करा? क्योंकि दोबारा से काउंटिंग शुरू होगी। ठीक है, अब क्या है, अब हमें क्या करना है, अब मिनट्स भी देखना है। तो हम यहां पे लगाएंगे एल्स इफ सेकंड अगर बड़ा हो जाए किससे, कितने सेकंड एक मिनट होते हैं? हाँ वासिद, कितने सेकंड एक मिनट होते हैं? 60। वेरी गुड, वासिद ने इतना अच्छा क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो सेकंड 60 सेकंड एक मिनट होता है। तो जब 60 सेकंड जो है, सेकंड जो है जब 60 तक पहुंच जाएगा तो हम क्या करेंगे, मिनट को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो मैंने यहां पे लिखा मेन प्लस प्लस, ठीक है, मेन प्लस प्लस करा और सेकंड को दोबारा से जीरो कर दिया। ठीक है, और मिनट वाली हेडिंग में डाल दिया मेन। ठीक है जी, ये एल्स इफ हो गया। तो हम इसको चला के देखते हैं, हमें एक मिनट तक वेट करना पड़ेगा। तो एक मिनट तक मैं चुप हो जाता हूँ। आज देखें ये चल गया, एक सेकंड हो गया, बल्कि बहुत लंबी हो जाएगी मुझे लग रहा है। एक मिनट तक, एक मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा। इतने हम लोग कमेंट देख लेते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। 13 सेकंड हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए और 21। कम टाइम की बनानी चाहिए थी। 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड रह गए, उसके बाद जो मिनट है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये यूआई सिंपल मैंने बनाई है, आप लोग अच्छी सी बनाइएगा। यूआई देख के ही बंदा बोले कि यार यही वाली स्टॉपवॉच चाहिए। बासित को ज़रूरत है, आप बासित को सेल कर सकते हैं स्टॉपवॉच बना के, खरीद लोगे ना बासित? तो जिसने सबसे अच्छी बनाई होगी तो अच्छा। अजान भी हो गई, अरे 60 से ऊपर निकल गया और ये मसला हो गया। तो हमने कोई मिस्टेक करी है, देख लेते हैं अजान हो जाए, अजान के बाद हम मिस्टेक देखते हैं। अजान हो गई है, तो बहुत मेहरबानी आप लोगों ने बताया। डॉट इनर एचटीएमएल लगाना मैं भूल गया था, तो इसका मतलब ये सबको समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ हम भूल गए, तो वो हमें आप लोगों ने बता दिए। तो इनर एचटीएमएल कहाँ लगाना था वैसे बासित? अच्छा यहाँ पे लगाना था इनर एचटीएमएल, इसके अंदर हमने डाल दिया मिनट। और कोई गलती अगर नज़र आ रही हो तो आप बताएं, और कोई गलती नज़र आ रही है? अच्छा, अब दोबारा से एक मिनट वेट करना पड़ेगा। तो हम एक काम ये करते हैं, इसको हम कर देते हैं 10, हम 10 सेकंड का एक मिनट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमारे पास टाइम कम है, इस वजह से मैंने एक मिनट 10 सेकंड का बना लिया। वैसे आप 60 सेकंड का ही बनाइएगा। तो हम इसको चला के देख लेते हैं, मैंने रिफ्रेश करा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, ज़बरदस्त हो गया।
अच्छा, लेकिन ये मिनट बार बार चले जा रहा है, मिनट रुका नहीं, क्यों? मिनट रुका नहीं, ओ सेकंड, सेकंड मैंने जीरो कर दिया है। बल्कि सही तो है, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। देखें, 7, 8, 9, 10, अब 4 हो गया, दोबारा से 10 तक चलेगा। जी, सेकंड जीरो मैंने दे दिया था, तो बिल्कुल अच्छी स्टॉपवॉच बन गई है। अभी सिर्फ चल रही है, अब इसको रोकना भी है, अब इसको रोकना भी है, दोबारा से स्टार्ट भी करना है और रीसेट भी करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिनट सेकंड को दोबारा से 60 कर देते हैं, क्योंकि 60 सेकंड्स होते हैं। ये लॉजिक तो क्लियर हो गई। हाँ तो ठीक है ना, सेट सेकंड प्लस प्लस होगा, सेकंड प्लस प्लस होगा, जब ही तो मिनट आगे बढ़ेगा ना। हाँ बिल्कुल सही है, वो मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो इस वजह से मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ी है, लेकिन सही है। अब हमें क्या करना है, अब इसको रोकना है। रोकने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था कि सेट इंटरवल अगर एक दफ़ा चल जाए उसको किस तरह हम रोकते हैं। क्लियर इंटरवल का एक फंक्शन है, उसके जरिए हम सेट इंटरवल को रोकते हैं, ठीक है। अब स्टॉप वाला, अच्छा स्टॉप वाला जो फंक्शन था, अच्छा अभी तो डायरेक्ट चले जा रहा है ये, मैंने चलाया भी नहीं और वो चल गया, तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन स्टार्ट, स्टार्ट के नाम से एक फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन के अंदर मैंने इसको रख दिया। अब जब मैं स्टार्ट करूंगा, जब वो चलेगा, मैंने रिफ्रेश करा, अभी जीरो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ऑन क्लिक के ऊपर मैं स्टार्ट वाला फंक्शन जब चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आया, मैंने ऑन क्लिक लिखा स्टार्ट के बटन के ऊपर और इस पे मैंने स्टार्ट वाला फंक्शन कॉल कर दिया। अब जब स्टार्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, स्टॉप वॉच मेरी स्टार्ट हो जाएगी। मैं रिफ्रेश करा आके, और जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा, और ये स्टॉप वॉच स्टार्ट, ये हो गया स्टार्ट का फंक्शन। अब हमें करना है स्टॉप, स्टॉप भी तो करना है, स्टार्ट तो हो गया, अब स्टॉप भी करना है। तो स्टॉप के नाम का भी एक फंक्शन हम बना लेते हैं, स्टॉप के बटन पे ऑन क्लिक लगाते हैं और इसको हम करते हैं स्टॉप, ठीक है जी। और जावास्क्रिप्ट में आके हम बना लेते हैं स्टॉप वाला फंक्शन, फंक्शन स्टॉप, ठीक है। स्टॉप के अंदर मैंने लिख दिया क्लियर इंटरवल और इंटरवल वाला वेरिएबल दे दिया, ठीक है। कोई इतना बड़ा काम नहीं करा, सिर्फ क्लियर इंटरवल लिखा और इंटरवल वाला वेरिएबल यहाँ पे दे दिया। अब जैसे ही स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्टॉप वॉच रुक जाएगी। मैंने रिफ्रेश करा, स्टार्ट कर दी। अब मैं इसको रोकूंगा 5 पे, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, मैं इसको रोक दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने स्टॉप क्लिक करा, ये वॉच रुक गई, ठीक है। अब मैं दोबारा से स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, दोबारा चल गई। अब जब ये 10 पे आएगा, मैं इसको दोबारा रोक दूंगा। 10 पे आया, मैंने इसको दोबारा से स्टॉप कर दिया। कितना ईजी है, स्टार्ट हो रहा है और स्टॉप भी हो रहा है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि रीसेट कैसे होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। रीसेट बहुत आसान है, ये आप पे छोड़ा, थोड़ा बहुत आप भी बताएं कि रीसेट किस तरह से होगा। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, और किसी को अगर कोई इशू भी नज़र आ रहा है तो वो भी बता सकता है। अच्छा ठीक है, स्टॉप का नाम हम कर देते हैं पाउस, ठीक है, कोई मसला नहीं है, पाउस कर दिया, ठीक है। स्टार्ट, पाउस और रीसेट। अब रीसेट मुझे बता दें जल्दी कैसे होगा। क्लियर का फंक्शन बनेगा, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग सर बासित अहमद, सर सबके इनर एचटीएमएल में जीरो प्लेस करके जीरो करेंगे वैल्यू, ठीक है। से स्टार्ट स्टॉप करना हो तो अली अब्बास, बिल्कुल कीबोर्ड की कीज से भी आपको बताएंगे कैसे स्टार्ट होगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि आपको कीबोर्ड की कंट्रोल करना सिखा दूँ, कि कौन सी की प्रेस हो तो आपको पता चल जाए। इससे ही मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा गेम भी आपको बता दूँ कि कीबोर्ड की जब कीज प्रेस होती हैं कि किस तरह से हम गेम वगैरह खेलते हैं। तो रीसेट का एक फंक्शन हम बना लेते हैं, ऑन क्लिक
बहुत अच्छा, आप लोग सब बता रहे हैं मुझे। रीसेट का एक फंक्शन मैंने बना लिया और रीसेट के बटन पे कॉल कर दिया। मैं जावास्क्रिप्ट में आ गया, फंक्शन बनाया रीसेट, उबैदुर रहमान ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बटन दबाने से रीसेट करवा सकते हैं, वेरी गुड। रीसेट, और रीसेट के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मिन को ज़ीरो कर दूंगा, सेकंड को ज़ीरो कर दूंगा और मिली सेकेंड को भी ज़ीरो कर दूंगा। तो मैं आया तो मिन ज़ीरो, सेकंड ज़ीरो, ठीक है ठीक है, सेकंड भी ज़ीरो हो गया और मिली सेकेंड भी ज़ीरो हो गया। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मिन हेडिंग के अंदर डाल दूंगा मिन, और सेकेंड हेडिंग के अंदर डाल दूंगा सेकेंड, और मिली सेकेंड हेडिंग के अंदर डाल दूंगा मिली सेकेंड, ठीक है जी। तो इसको चला के देखते हैं, चला के हम देखते हैं। आप लोगों ने तो माशाल्लाह पूरा पूरा फंक्शन लिख के दे दिया है फ़ौरन से कमेंट के अंदर, बहुत ज़बरदस्त। तो इसको मैं देखता हूँ चला के, स्टार्ट मैंने कर दिया, अब मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। मैंने रीसेट के ऊपर क्लिक करा, ये तो स्टॉप हो गया, ये क्या हो रहा है, रीसेट पे मैंने क्लिक करा ये स्टॉप हो गया, क्या इशू आ रहा है। स्टार्ट कर दिया, रीसेट पे क्लिक करा स्टॉप हो गया। ओहो, दोबारा से डॉट इनर एचटीएमएल मैं भूल गया। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बता दिया, बहुत शुक्रिया। डॉट इनर एचटीएमएल लगाना भूल गया था, डॉट इनर एचटीएमएल लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। डॉट इनर एच टी एम एल भी लगा दिया, और अब भी एक और गलती है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप खुद बताएंगे मुझे, पहले मैं देख लेता हूँ कि चल भी रहा है या नहीं। मैंने स्टार्ट कर दिया, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई, मैंने रीसेट करा, देखें आप ज़ीरो तो कर रहा है लेकिन चले जा रहा है, रुक नहीं रहा। अब क्या इशू है, मैंने रीसेट करा रुक गया लेकिन दोबारा से चल रहा है। रीसेट पे ज़ीरो तो हो रहा है लेकिन वो दोबारा से कंटिन्यू हो रहा है, क्या इशू हो सकता है, क्या मसला आ रहा है यार ये जी। किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है, ये आगे तक आ गया, मैंने जैसे ही रीसेट दबाया ज़ीरो हो गया लेकिन वो दोबारा से कंटिन्यू हो गया। इनर एचटीएमएल लगा दिया हमने। मुनीब मंसूर बोल रहे हैं क्लियर इंटरवल भी करना होगा, बहुत ज़बरदस्त। रीसेट तो हमने कर दिया, उसके साथ साथ हमें क्लियर इंटरवल भी करना होगा ताकि हमारा जो काउंटर है वो रुक जाए। क्लियर इंटरवल हमने नहीं करा तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप वाला फंक्शन चला दूँगा। सिंपल यहाँ पे मैं करूँगा स्टॉप और इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा, ठीक है। स्टॉप वाले फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो वो स्टॉप भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं चलाता हूँ, मैं कर दिया स्टार्ट और मैंने करा रीसेट तो ये रीसेट हो गया। दोबारा से मैंने करा स्टार्ट, स्टार्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको बीच में रोकना, मैंने रोक दिया, ठीक है। दोबारा से स्टार्ट करना, वहीं से स्टार्ट हो गया। रीसेट करना, रीसेट भी हो गया। तो हमने एक स्टॉप वॉच बना लिए बेसिक, चाहिए इसके साथ साथ आप इसमें HTML अच्छी बना के आप अपनी बनाएंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें अब भी एक गलती मौजूद है जिसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व होगी लेकिन आपको खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी थोड़ी और लॉजिक क्लियर हो जाए। वो गलती क्या है, मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, मैंने एक और दफ़ा स्टार्ट दबा दिया, मैंने एक और दफ़ा, मैंने 4-5 दफ़ा स्टार्ट दबा दिया, देखें कितनी जल्दी चलने लग गया, ये पागल हो गया, ये सेकंड भी मिली सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। अब मैं इसको रोकना चाह रहा हूँ, ये नहीं रुक रहा, रीसेट करना चाह रहा हूँ, रीसेट भी नहीं हो रहा, क्या हो गया ये गड़बड़ी, क्योंकि मैंने स्टार्ट बहुत टाइम्स दबा दिया, मैंने बार बार स्टार्ट दबा दिया, तो ये क्या हो गया, इसको पूरी जो स्टॉप वॉच है वो ख़राब हो गई, क्रैश हो गई। अब इसको किस तरह आप हैंडल करेंगे मैं आपको बताऊँ, किस तरह आप हैंडल करेंगे, जब आपने स्टार्ट का बटन एक दफ़ा दबा दिया, स्टार्ट का बटन आपने जब बताया तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट वाले बटन को डिसेबल कर देंगे। बटन का एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल, जैसे कि मैं HTML के अंदर आया, मैंने अगर बटन में यहाँ पे कर दिया डिसेबल, तो क्या होगा,
बटन डिसेबल हो जाएगा, बटन पे हम क्लिक ही नहीं कर सकेंगे। मैं आया, मैंने रिफ़्रेश करा, तो देखें बटन देखें थोड़ा सा ब्लर भी हो गया और डिसेबल है। मैं इस पर क्लिक ही नहीं कर पा रहा, मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा। तो आप ये करेंगे जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए बटन डिसेबल हो जाए, ठीक है, तो इससे जो आपका काम है वो हो जाएगा। आप करेंगे कैसे ये आपको खुद करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को समझ में आ गया, तो फिर हम चैप्टर्स की तरफ कंटिन्यू करते हैं। और मैं सर बातचीत से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आ जाएंगे और फिर आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे। जी मुझे बता दें थोड़ा सा कि क्लियर है सबको, बाकी इसमें और फीचर जो डालना है तो वो सर अली आपको आके बता दें, अगर कुछ तो आपको वो भी डालना पड़ेगा। इसमें आप एक और फीचर भी डाल सकते हैं कि सबसे पहले मैंने रेस लगाई, स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट करी और मैं आया भाग के 5 मिनट में। अब मैं उसको सेव भी कर सकता हूँ कि भाई गौस आया 5 मिनट में, दोबारा से एक और स्टॉप वॉच चली, बासित भागा, बासित जब वापसी आया तो बासित की हिस्ट्री जो है वो सेव हो जाए कि बासित आया 10 मिनट में। तो ये भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा इसको बनाइएगा भी रिस्पॉन्सिव, ताकि आप मोबाइल पे भी इसको टेस्ट कर सकें। बनाना इसको रिस्पॉन्सिव है ताकि आप मोबाइल पे इसको चेक कर सकें। पाउस की कोडिंग में कुछ नहीं है, पाउस में क्या करा है, सिर्फ क्लियर क्लियर इंटरवल मैंने लिखा है, और क्लियर इंटरवल के अंदर जिस वेरिएबल में मेरा सेट इंटरवल का फंक्शन था उस वेरिएबल को कॉल कर दिया। अच्छा चैप्टर्स हमें पढ़ना है, अगर चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ने होते तो बिल्कुल कीबोर्ड वाला भी आपको मैं करा देता, और उसके साथ साथ एक छोटा सा गेम भी आपको करवा देता। तो सर अली तो फिर चैप्टर्स हम शुरू करें। मलिहा गज़ल डिसेबल वाला भी करके दिखा दूँ, सब मैं कर दूँगा तो फिर आप क्या करोगे, फ़ायदा क्या होगा फिर आपका, डिसेबल वाला आपको खुद करना होगा। पाउस को डिसेबल करना है या नहीं आपकी मर्जी है, कर देंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। जब स्टार्ट हो जाए तो पाउस डिसेबल आ रहा हूँ। मोहम्मद अमीन जाहिद कोडिंग शेयर करने का, सर अली आपको बताएंगे क्या करना है। विंडो क्रैश वाला गेम तो मैंने कुछ नहीं बनाया। तो सर अली का जवाब आया कि कोडिंग बिल्कुल शेयर नहीं होगी, आप लोगों को खुद बनाना है। मैंने सारी कोडिंग आपके सामने कर दी है, अब तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लैपटॉप लेके बैठे हुए होंगे, उन्होंने कर भी दिया होगा। हाँ जी डिसेबल करना है, बार बार कमेंट ना करें, डिसेबल आपको करना है, मैं बिल्कुल नहीं करके दिखाऊंगा। तो चैप्टर्स की तरफ कंटिन्यू करते हैं, मैं बुक खोल लेता हूँ और उसके बाद बासित को बुलाता हूँ और कंटिन्यू करता है। थोड़ा सिस्टम सर हैंग हो रहा है। डिसेबल बिल्कुल जावास्क्रिप्ट से ही होगा, ठीक है, मैं बासित को बुलाता हूँ, बासित आओ और कंटिन्यू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम लोग, खैरियत से हैं, ठीक हैं? और स्टॉप वॉच बना लिया आप लोगों ने, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो उम्मीद है कि जो सर ने आप अभी यहाँ पे छोड़ा है वो भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है, ओके। तो आज हम, ठीक है, आज हम आ जाते हैं अपने डोम पर, जैसा कि सर ने बताया, ठीक है,
जैसा कि सर ने बताया है आप लोगों को कि आपका ये जो डॉम का चैप्टर है ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मतलब डॉम वैसे ही आपका इम्पोर्टेंट है, और आपकी इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमने तो ये सारी चीज़ें इससे पहले पढ़ चुके हैं, और जब हम पढ़ेंगे मैं आप जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ये खुद सोचेंगे कि हम तो ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं और तमाम काम जो है ये कर चुके हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन काफ़ी जगहों पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसके बगैर काम नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए ये पढ़ना लाजमी है, ठीक है, और हम इसको पढ़ेंगे। और इससे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये थोड़ा सा ड्राई भी है, तो हम इंशाल्लाह इसको जो है जल्दी से लॉजिकली समझेंगे, रीज़न नहीं लॉजिकली, ठीक है। तो लॉजिकली समझेंगे और फिर इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने कोड पर। मैं पूरा कोड कमेंट कर रहा हूँ, स्टाइल भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारी जो जावास्क्रिप्ट है इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, मतलब डिलीट नहीं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी कोड तो वैसे ही आपके साथ आप तक शेयर नहीं किया जाएगा, तो डिलीट भी कर दूँ तो कोई मसला नहीं है, है ना सर, ऐसा ही है ना जी। तो सबसे पहले आ जाते हैं डॉम। डॉम सबसे पहले समझते हैं कि है क्या, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। आप जैसे एक HTML पे की फाइल पे काम कर रहे होते हैं, ये आपकी फाइल है, ठीक है, यानी ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें HTML यूज़ करते हैं, हेड का टैग यूज़ करते हैं, बॉडी का टैग यूज़ करते हैं, डिव पैराग्राफ लेस ये तमाम जो आप यूज़ करते हैं ये इसके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो इसको जिस तरतीब से रखते हैं ये आपका मॉड्यूल है, ठीक है, ये आपका मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इस तरह काम करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपकी जो फाइल है ये आपका डॉक्यूमेंट है, और जिस आपको इसमें मॉडल बनाते हैं HTML में जिस तरह काम करते हैं वो आपका एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है और उसमें हम काम कर रहे होते हैं वो आपका मॉडल कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं यहाँ पर एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी ID दे देते हैं पप्पा, ठीक है। ये मैंने किसी वजह से दिया है और इसको कुछ देर में बताऊंगा कि ये इसको समझने में थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं इसके अंदर पैराग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। पैराग्राफ बनाया, फर्स्ट सन पहला बेटा, दूसरा और तीसरा, तीन बनाएंगे इसके, ठीक है। एंड थर्ड, ठीक है, ये आपने बना लिया। अच्छा, मैं इन तमाम को गौस में इसको डिलीट कर दूं, ठीक है। चले हम एक काम करते हैं, दूसरी फाइल पे काम कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फाइल ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहां पर
और इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। स्क्रिप्ट src app.js, ठीक है, हमने ये बना लिया। सबसे पहले हमें ये समझना है कि डॉक्यूमेंट में हम अगर किसी भी पेरेंट को टारगेट करना चाहें, जैसे कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर है एक div, ठीक है, और इस div में मैं कोई भी आईडी दे देता हूँ, समथिंग कुछ भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने ये आईडी दी है और इसके अंदर मैं एक पी बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि हमने कुछ टाइम पहले ये सीखा था कि अगर हमें इस एलिमेंट को टारगेट करना है तो वो किस तरह करेंगे। मैं लिखता हूँ var और a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं यहाँ पर इसकी आईडी दे देता हूँ जो भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इसकी आईडी आ जाएगी, ये क्लियर है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये मैंने एक तरीका देखा था, ठीक है। ये हम जो है डॉम पे जिस तरह काम करते हैं उस तरह का वो नहीं है। डॉम पे आपकी चीज़ें किस तरह एग्जिस्ट करती हैं, आप इनको किस तरह ले सकते हैं, किस तरह आप इनको टारगेट कर सकते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, और सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊँगा कि स्ट्रक्चर किस तरह वर्क करता है। आपका ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका जस्ट लाइक एन एरे, ठीक है। आपका ये एक एरे है और एरे के हर एक इंडेक्स पर आपकी कोई ना कोई वैल्यू रखी हुई है। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले इंडेक्स पर आपके रखा होगा डॉक टाइप html, ठीक है, ये आपका जीरो इंडेक्स पर है। इसको हम चेक भी करते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड, अच्छा चाइल्ड नोड्स ये आपको याद रखना है। और ये चाइल्ड नोड्स क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी नोड्स हैं उसको हम चाइल्ड नोड्स से टारगेट करेंगे। मैं सबसे पहले जीरो इंडेक्स पे करता हूँ। आप डॉक्यूमेंट डायरेक्ट डॉक्यूमेंट पे अगर आप इंडेक्स देंगे तो वो आपका नहीं आएगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स करेंगे जब आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने कंसोल करवाया है, अब कंसोल में देखते हैं हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आई। ये आपके पास js line 1 पे doc type dot html आ गया है, ठीक है। इससे आपको पता चला कि जीरो इंडेक्स पर आपका doc type html है, ठीक है। अब मैं इसको मैं कर रहा हूं 1, ठीक है। अब 1 पे मेरे पास क्या आना चाहिए, मैं अपना स्ट्रक्चर देखता हूं html का। तो 1 पे मेरे पास क्या आना चाहिए, html, यानी html का टैग आना चाहिए और html का तमाम काम आना चाहिए। लेकिन मैंने इसको रिफ्रेश किया, मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, क्लियर हो गया। फर्स्ट एरे पे जीरो इंडेक्स पर आपका डॉक टाइप html, और इसी के बाद सेकंड इंडेक्स पे यानी इंडेक्स 1 पे आपका html आ गया, ठीक है। अब मेरे पास मुझे क्या करना है, इंडेक्स 1 आ गया, अब मुझे इसी html के अंदर, ठीक है, मेरे पास एक एक दो और ये मेरे पास तीसरा है, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। फॉर्मेटिंग की html के अंदर आपने देखा कि डॉक टाइप html और html ये दोनों तो एक ही साथ थे, जीरो और वन पर है, ठीक है, जीरो और वन पर है। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट जो टारगेट करूँगा वो मेरे पास इसके साथ नहीं है, ठीक है। html के बाहर मेरे पास कोई भी टैग ऐसा नहीं होता जो कि html का बहन भाई हो, मतलब समझ सकते हैं कि जिस तरह हेड बॉडी और ये आपके आपस में बहन भाई हैं, एक ही एरे में एक ही साथ दे रहे हैं एक ही घर में, ठीक है। लेकिन html के साथ कोई भी नहीं रहता सिवाय डॉक टाइप html के, ठीक है। तो जीरो पे आया मेरे पास डॉक टाइप html और वन पे आया मेरे पास html का टैग, ठीक है। तो अब मुझे इसके अंदर हेड को या बॉडी को टारगेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इसमें आता हूँ डॉट चाइल्ड नोड, उसके बाद में दोबारा इसी के अंदर आ जाऊंगा और अब मैं जीरो पर चेक करता हूं कि मुझे क्या मिल रहा है। मुझे यहां पे जीरो पे क्या मिलना चाहिए, इसके जीरो पे डॉक्यूमेंट के जीरो पे मिल रहा था डॉक टाइप html, वन पे मिला मुझे html, अब html के जीरो पे क्या मिलेगा मुझे, हेड, क्लियर है।
आपको यहाँ पर हेड मिल गया, ठीक है। हेड के अंदर तमाम का तमाम काम आपको वैसे मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आपका आया ज़ीरो पर, ठीक है। ज़ीरो पे आने के बाद मैं इसको टारगेट करता हूँ वन को, क्योंकि मुझे बॉडी टारगेट करनी है। बॉडी अब क्या आया, यहाँ पर आ गया आपका जंक आर्टिफैक्ट्स, और इसको ये आपका टेक्स्ट है, ये आपका जंग आर्टिफिक्स कहलाता है। इसका रिजॉल्व करने का भी मैं तरीका बताता हूँ, और ये किस वजह से आया है ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। सब ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो हम इसको एक दफ़ा ये समझ लेते हैं कि डॉम है क्या, ठीक है। डॉम आपका HTML की एक स्क्रीन है, HTML की जो भी स्क्रीन पर आपके जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपकी डॉम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डॉम पर आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम इसको जिस तरह हमने पहले तो हमने ये किया था कि हम टारगेट से आईडी से हम उनको टारगेट कर रहे थे, लेकिन हमारे पास हमें तो ये समझना है कि डॉम है क्या, डॉम बेसिकली है क्या। तो डॉम आपका वो मॉडल है, वो डॉक्यूमेंट है जिस पर आपके HTML के तमाम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। HTML के तमाम एलिमेंट डॉक्यूमेंट पे एग्जिस्ट करते हैं, डॉम पे एग्जिस्ट करते हैं, और हम इसको टारगेट करते हैं जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, जो कि हम करके देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा ये टेक्स्ट क्यों आया, मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए था हेड के बाद, मेरे पास यहाँ पे जीरो इंडेक्स में मुझे हेड मिला, ठीक है। वन इंडेक्स में मेरे पास आना चाहिए था बॉडी, लेकिन मेरे पास यहाँ पर आया टैक्स, और ये टैक्स मेरे पास हैश टैक्स के साथ आया। हैश टैक्स ये आपका ये वाला स्पेस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका स्पेस है ये आपका हैश टैक्स ये वाला स्पेस है। वाइड डॉक्यूमेंट डॉम में हम कोई भी जब टारगेट कर रहे होते हैं वो एलिमेंट के साथ साथ आपने बीच में जो स्पेस वाइट स्पेसेस छोड़े हैं अपनी आसानी के लिए, तो डॉम आपका उसको भी काउंट करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो है जब आपकी फाइल रेंडर हो रही होती है आपने HTML में अपनी आसानी से फॉर्मेटिंग भी कर ली सारी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये टैब का स्पेस है, ठीक है, टैब का स्पेस के बाद आपने इंटर किया हुआ है तो लाइन चेंज है, ठीक है। तो ये तमाम आपका ये जो स्पेस है ये स्पेस आपका ये स्पेस भी आपका काउंट होता है, और ये आपका हैश टैग्स यानी जंक आर्टिफैक्ट्स कहलाता है। कहीं कहीं पर आपके पास ये इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं, और एरर्स में काफ़ी जगहों पर इसमें एरर्स में काफ़ी सारी जगहों पर ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी का मसला होता है, ठीक है। तो आप लोग आज बिल्कुल इसी को समझने वाले हैं कि ये एरर किस तरह रिजॉल्व होगा, ये समझ में भी नहीं आता किसी को, ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि किस तरह रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस स्पेस को कर देता हूँ ख़त्म, और बॉडी को बिल्कुल इसके बराबर में लेकर आ जाता हूँ, और अब मैं इसको सेव करता हूँ वन पर, मुझे अब क्या मिलेगी, मेरी बॉडी, क्लियर है, ठीक है। तो आपका ये जो स्पेस है ये आपका जंक आर्टिफैक्ट्स कहलाता है। अच्छा इसी तरह अब मुझे बॉडी के अंदर जाना है, बॉडी के अंदर मेरे पास एक ये आईडी है, एक ये डिव है, ठीक है। अब मैं इस दोबारा अपने कोड पर आता हूँ, और डॉट चाइल्ड नोट्स फिर से मैं इसको कर देता हूँ ज़ीरो, ठीक है। मैंने ज़ीरो किया, मेरे पास फिर से टैक्स आया, ठीक है, फिर से टैक्स आया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका ये जो यहाँ का ये जो स्पेस है मैं इसको अगर ख़त्म कर देता हूँ, मेरे पास अपना वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मसला ये है कि क्या मैं अपनी पूरी की पूरी HTML को इसी तरह एक लाइन में लिख दूँ, जब भी मेरे पास इस तरह के जो है इंडेक्सेस पे तमाम काम मुझे मिल सकता है, वरना तो इस तरह तो मिलेगा ही नहीं मुझे, ठीक है। इसका एक तरीका है, एक जब आप एक तरीका तो ये है कि आप इसको मिनीफायर कर लें, ठीक है। आप लोगों ने जब बूटस्ट्रैप में देखा होगा, बूटस्ट्रैप जब डाउनलोड की होगी तो डाउनलोड में एक फाइल होती है min.css, ठीक है। वो मिन क्या होती है, वो मिनीफायर हुई हुई css होती है, वो पूरी की पूरी आपकी एक लाइन में लिखी हुई होती है, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल इस तरह, ये भी एक लाइन में और ये भी एक लाइन में,
आपका पूरी की पूरी आपकी एक ही लाइन में पूरी CSS या पूरी जावास्क्रिप्ट आपकी इसी तरह लिखी होती है, और ये मिनिफायर हुई भी आपकी HTML या CSS होती है। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन ये हमारे काम करने के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है, हम इसमें बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि आप इसको टैग को कुछ और शक्ल दे दें, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। किस तरह कर सकते हैं, हमें बॉडी मिल रही थी, ठीक है, बॉडी के बाद हमें हेड के बाद हमें जंक मिल रहा था। हम क्या करेंगे, हेड के जो लास्ट टैग है मैं इसको इंटर करूंगा, और इसको इंटर करने के बाद यहां से मैं इस तरह काम कर लूंगा, ठीक है। यहां पे मैंने इसको इंटर किया, और यहां पे मैंने इसको इंटर किया, और इसके ओपनिंग टैग में इसको मैंने यहां से जोड़ दिया। अब आपका कोड क्या है कि आपने जो बीच में टैग के अंदर का जो स्पेस है आपने वो ज़्यादा कर दिया है, टैग में आपस में जो रिलेशन है, आपस में जो डिफरेंस था वो आपने वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। जो ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, इनके जो बीच में आपने जो स्पेस है वो आपने बढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन टैग एक टैग दूसरे टैग के दरमियान जो स्पेस था वो आपने ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह आपको ईजिली ये गेट हो जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो है इसको हमने अपने हिसाब से स्टाइल तो कर लिया, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। बॉडी के बाद हम क्या करेंगे, आईडी को चेक करेंगे, मुझे यहां पर आईडी मिलनी चाहिए, बॉडी मिली, ठीक है। बॉडी के बाद फर्स्ट पर ही मुझे मिलनी चाहिए आईडी, चाइल्ड नोड्स 0, आपके पास आईडी मिल गई, आपने अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट भी कर लिया और आपके पास आईडी भी मिल गई, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर इसको मिनिफाई करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीका है। इसका तरीका ये होगा कि आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना लें, ठीक है, पूरी तमाम की तमाम कोडिंग कर लें, फिर उसके बाद एक वेबसाइट है जिसका लिंक आपको आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और आप जो है सर्च करेंगे मिनिफायर, HTML मिनिफायर, ठीक है, आपको ये फर्स्ट पे ही मिल जाती है ये वाली। आप अपने पूरे के पूरे HTML के टैग, अपनी HTML के फाइल को उठाएं, कॉपी करें और यहां पर इसको पेस्ट कर दें, और यहां पे इसको मिनिफाई कर लेंगे, ये आपकी एक लाइन में आ गई। इसको उठाएं, पेस्ट करें और डिप्लॉय कर दें, पेस्ट करें और डिप्लॉय कर दें, आपका जो है इस तरह का फिर कोई भी एरर आपका इस तरह का नहीं आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम ये देखते हैं कि हम इनको टारगेट किस तरह करेंगे, ठीक है। हमने जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया था उसको तो अभी हमें भूल ही जाना है बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने जीरो पर अपने आईडी को टारगेट किया। अच्छा, जीरो पे मेरे पास अभी क्या आ रहा होगा, टैक्स आ रहा होगा, अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है, जीरो, इस पे मुझे मिल रहा है मेरे पास टेक्स्ट, और इसको मैं कर देता हूं टू, टू पे मुझे अपनी बॉडी मिलेगी, ठीक है। बॉडी में मैं उसके अंदर जाता हूं चाइल्ड नोड के जरिए, चाइल्ड नोड्स 0 पे मुझे मिलेगा टेक्स्ट क्योंकि मैंने वहां पे छोड़ा हुआ है टेक्स्ट, 1 पे मुझे मिलेगी अपना फर्स्ट करेक्टर, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं जाता हूं डॉट चाइल्ड नोड के जरिए 0 पे फिर मुझे मिलेगा टेक्स्ट, ठीक है, और 1 पे फिर मुझे मिलेगा अपना एलिमेंट। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई इशू है, जी हफ्सा गुलजार, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी पड़ती है, बार बार नहीं पड़ती, कभी कभी पड़ जाती है, ठीक है। और कभी इस तरह के एरर्स भी आते हैं कि कभी हमारे पास इस तरह के एरर्स भी आते हैं, ठीक है, तो हमें उसको रिजॉल्व करने के लिए इस तरह इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ठीक है,
काफ़ी सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसका फ़ायदा आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी कभार हमें इसको यूज़ करना पड़ जाता है। और कभी कभार इस तरह के जब एरर्स आते हैं, और जैसे कि अभी आपके जैसे आपने टैक्स लिखा, ठीक है, टैक्स में आप जो है इसके आगे जब बढ़ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर आपके पास कोई इस तरह का जंक आपके पास बीच में आ रहा है, ठीक है, अगर इस तरह का जंक्स आपके पास आ रहा है तो आपको नहीं पता होगा कि आप जो है इसको किस तरह हैंडल करें, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा इसको जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपका जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा, आपने फॉर लूप के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया था, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप जो भी लिख रहे थे वो आपके पेज पर रेंडर हो रहा था, ठीक है, वो आपके पेज पर रेंडर हो रहा था, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आपका ये आया है, ठीक है। जिस तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर आपका ये आया है, आपने इसमें कोई भी HTML अभी नहीं लिखी, ठीक है, कोई HTML नहीं लिखी, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया तो आपने आपका जो टैक्स है इसके ऊपर रेंडर हो गया। तो आपकी जो भी टैक्स, जो भी एलिमेंट, जो भी HTML एग्जिस्ट करती है वो डॉक्यूमेंट पे एग्जिस्ट करती है, डॉक्यूमेंट पे एग्जिस्ट करती है। अगर हमें इसको टारगेट करना है तो ये आपके पास एक एरे की सूरत में, आपके पास एरे की सूरत में हर एक इंडेक्स के ऊपर ये मौजूद होती है, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पर मेरे पास जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा मेरे पास डॉक टाइप HTML, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पर आ जाएगा मेरे पास HTML, ठीक है। उसी के फौरन बाद आ जाएगा उसके अंदर वाले टैग्स पर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ठीक है, फर्स्ट जीरो इंडेक्स पर ये आया, फर्स्ट इंडेक्स पर ये आया। अब मैं इसके अंदर आता हूँ तो मेरे पास फिर इंडेक्स आएगा, ठीक है, फिर एरे है, और एरे में हेड है। इसके अंदर मैं आ जाता हूँ तो ये कुछ टैग्स हैं, ठीक है। इसी तरह मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूँ तो ये कुछ टैग्स हैं। अब मैं इनकी कोडिंग पर आ रहा हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स, ये आपकी एक नोट्स है, ठीक है। हम जीरो पे देखते हैं सबसे पहले क्या पड़ा हुआ है। जीरो पे मेरे पास डॉक टाइप HTML है जो आपके कंसोल में आ गया है, ठीक है। मैं इसी तरह मैं देखता हूँ कि वन पे क्या है मेरे पास। वन पे आपके पास HTML का टैग है, ठीक है। इसी तरह चाइल्ड नोड्स आपके पास, वन पे आपके पास HTML का टैग है। इसी तरह टू पे मैं देखता हूँ, टू पे मेरे पास अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास HTML के टैग के अंदर, सॉरी, पूरे पेज में डॉक टाइप है और HTML इसके अलावा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं वन पे मेरे पास मिल रही है HTML, ठीक है, HTML के अब मुझे अंदर जाना है तो मैं इसके अंदर चाइल्ड नोड पे जाऊंगा, इसके चाइल्ड पे जाऊंगा, ठीक है। चाइल्ड नोड्स जीरो, जीरो पे मुझे मिलेगा अपना हेड का टैग, ठीक है। HTML में मैंने सबसे पहले हेड लिखा तो मुझे जीरो पे मिलेगा, ठीक है। इसी तरह मैं लिखता हूँ वन, वन पे मुझे मिला इस तरह का एक टेक्स्ट, ये आपके साथ ये कोई ना कोई खेल खेल रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरह का एक टेक्स्ट आ गया जो कि जंक आर्टिफैक्ट्स कहलाता है, और ये आपके जो आपने अपनी लाइन चेंज की है अपनी फॉर्मेटिंग के लिए, उस लाइन चेंज को, उस वाइट स्पेसेस को, जैसा कि आपने पढ़ा था कि वाइट स्पेसेस कुछ चैप्टर में पढ़ा था कि आपको ये इग्नोर कर देता है वाइट स्पेसेस, HTML में पढ़ा था, तो उस वाइट स्पेसेस को भी ये कंसिडर करता है, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट जो है इसको कंसिडर करता है। तो आपके पास इस तरह का एक टेक्स्ट आ जाता है। तो टू वाले इंडेक्स पे, वन वाले इंडेक्स पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा, भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे टू वाला इंडेक्स चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए, तो मेरे पास बॉडी आ गई, ठीक है, बॉडी आ गई। अब बॉडी में, बॉडी आ गई, अब इसके अंदर मुझे जाना है, तो डॉट चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड में फिर मैं जीरो पे चेक करूंगा, जीरो पे मेरे पास क्या है, वाइड स्पेस है, ठीक है, वाइड स्पेस है। और मैं वन पे चेक करता हूँ, मेरे पास ये डिव मिल गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ तक ये समझ लिया कि आपके एडोम में
फाइल्स आपकी किस तरह एग्जिस्ट करती हैं, किस तरह आपकी रेंडर होती हैं, ठीक है। अब हम इसको किस तरह टारगेट कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम जो है कुछ टाइप वगैरह देखेंगे, और इसमें जो है काफ़ी सारे इसमें हम क्लासेस भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि हम डॉक्यूमेंट डॉट एस आर सी हम चेंज कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट का हमने डॉक्यूमेंट डॉट हमने एक आईडी ले ली, और फिर हम उसकी क्लास चेंज कर रहे थे, उसका एट्रीब्यूट चेंज कर रहे थे, उसका एस आर सी चेंज कर रहे थे, तो वो तमाम चीज़ें हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तरीका दूसरा है, काम वही है, ठीक है। वही वाली बात आ जाती है कि हम ये क्यों पढ़ लें फिर, लेकिन जो है हमें ये पढ़ना है, काफ़ी सारी जगहों पे एरर्स आते हैं इसकी वजह से, इसके लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ अच्छा, अब एक सवाल ये होता है कि HTML की फाइल आपकी लॉक है और आप उसमें आईडी नहीं ले सकते, तो फिर आप किस तरह आप जो है इसको टारगेट करेंगे। तो उसके लिए आपके पास ये बहुत ही प्यारा सा तरीका आपके पास आ जाता है कि आप जो है इस तरीके से उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये समझ लिया कि आप इस पे किस तरह इसको टारगेट कर सकते हैं, आपके पास एक एलिमेंट आ गया है, ठीक है, एलिमेंट आ गया है और आप इसको इस तरह टारगेट कर सकते हैं। जंग आर्टिफैक्ट्स उसको रिजॉल्व करना हमने समझ लिया, और हमने अपने एक अब हम एक काम करते हैं, इसमें बना लेते हैं एक डिव जिसकी मैं आईडी दे देता हूँ पप्पा, और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ वालिद साहब, चलो मैं वो कर देता हूँ फर्स्ट, पप्पा भी सही है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तीन पैराग्राफ हैं जिसमें आईडी है और इनके पप्पा जो हैं ये आपके डिव के अंदर हैं, ठीक है। तो आपकी ये तीनों बच्चे आपके इस डिव के अंदर, इस अम्ब्रेला के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब हमें अच्छा, मैंने ये नाम क्यों दिए हैं इसको समझने के लिए, और इस ये नाम जो है मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस तरह आप जो है इस पे इसको समझ सकते हैं, ये समझने के लिए आपको आसान रहेंगे, ठीक है। वार ए इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पप्पा, ठीक है, आपके पास HTML में आ गया और मैंने यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ ए डॉट कंसोल डॉट लॉग ए डॉट चाइल्ड नोड्स, ठीक है। ए डॉट चाइल्ड नोड्स में, चाइल्ड नोड्स में मेरे पास क्या आएगा आइए देखते हैं। इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो पे मुझे क्या मिलता है, आपके पास टेक्स्ट मिला है, ठीक है। टेक्स्ट कौन सा, ये वाला टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो फिर मेरे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो हम जो है इसको क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं वन पे, वन वाली वैल्यू को उठा लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास वन वाली वैल्यू पे भी आपका एलिमेंट आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको अगर टारगेट करना है, जैसे कि लेट सपोज मुझे टारगेट करना है सेंटर वाला, यानी ये जो फर्स्ट सन है मुझे करना है दूसरा वाला बेटा, ठीक है, मुझे बुलाना दूसरा वाले बेटे को, तो वो हम किस तरह करेंगे। आपके सबसे पहले तो आप जो है पहले वाले बेटे को किस तरह बुलाएंगे ये देखते हैं, ठीक है। ए डॉट, ए तो आपके पप्पा हैं, ठीक है, मतलब आपके नहीं है, आपने यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है। ए डॉट फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, आप इसको इस तरह भी कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट चाइल्ड आपका इसमें जहाँ इस एरे में सबसे पहले जो भी चीज़ एग्जिस्ट करेगी उस इंडेक्स पर आपकी ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह आपके पास इंडेक्स में यहाँ पे टैक्स आया है तो इस टैक्स को हम रिमूव कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट चाइल्ड पे आपका पहला बेटा आ गया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट बनाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ,
अब मैं डायरेक्ट जो है आईडी से किसको टारगेट कर रहा हूँ, फर्स्ट सन को, ठीक है। आईडी से मैं सबसे पहले फर्स्ट सन को टारगेट कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास इस डिव में सबसे पहला पैराग्राफ है, यानी सबसे पहला बेटा है, ठीक है। अब मैं इसका बहन भाइयों को भी तलाश करूँगा, ठीक है। एक ये तो मिल गया, अब मुझे बहन भाइयों भी देखने हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्ट सन में मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एक तो नेक्स्ट सिबलिंग, बाद वाला बेटा, और उसके बाद जो है एक दूसरा है इससे पहले वाला बेटा। तो मैंने तो टारगेट किया है सबसे पहले वाले बेटे को, तो इससे पहले तो कुछ होगा नहीं, तो बाद वाला ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिबलिंग्स, ठीक है। तो आपके पास टैक्स आ गया, टैक्स को हटा देते हैं यार, इसको हटा दिया। आपके पास इसके बाद वाला बेटा आपका मिल गया, ठीक है, इसका दूसरा भाई मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ। अब आपके पप्पा ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आपका भाई नहीं ढूंढ रहा है, पहला बेटा नहीं ढूंढ रहा है, अब आपके पप्पा ढूंढ रहे हैं, ठीक है। पप्पा अपने सबसे आखिरी वाले बेटे को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लास्ट सिबलिंग्स। तो आपके पास ये देखेंगे कि लास्ट चाइल्ड, ठीक है, लास्ट वाले चाइल्ड को ढूंढेंगे, तो आपके पास ये आ गया लास्ट चाइल्ड। आया जहाँ भी स्पेस है, स्पेस को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट ये वाला टैक्स उठा रही है, ठीक है। तो ये आपका आखिरी, इनके तीन ही बच्चे थे, तो ये आपका आखिरी वाला मिल गया, क्लियर है, तो ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने इनके अच्छा अब मुझे क्या मिला, मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पर मिला फर्स्ट सन, ठीक है। अब मुझे जो टारगेट मिला है, यानी मुझे जो एलिमेंट मिला है, वो है इनका पहला बेटा, ठीक है, पहला बेटा, या इसको कर लेते हैं दूसरा बेटा, सेकंड, ठीक है, सेकंड, ठीक है। ये आपका इस तरह आपने, अब इसको ये मिला, अब आपने इसको बोला कि भाई आपको मालूम करना है अपने पप्पा को, ठीक है। तो आपको जब मालूम करना है अपने पप्पा को, तो आप जो है पेरेंट मालूम करेंगे, ए डॉट पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट नोड, ठीक है। चाइल्ड तो मतलब बच्चा ही हो जाएगा, बच्चा नहीं मालूम करना है, पेरेंट मालूम करना है, तो पेरेंट नोड होगा, ठीक है। चाइल्ड नोड के लिए जब हम बच्चे मालूम कर रहे थे, तो चाइल्ड, तो अब आपका पेरेंट नोड, ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो है इस ये टॉपिक थोड़ा सा इस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह बता रहा हूँ कि थोड़ा सा फनी भी लगे, क्योंकि वैसे ही इतना बोरिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा सेट लगे, ठीक है, इसलिए आपको इस तरह की थोड़ी सी। अब आपने इसको ये भी बता दिया, इस बच्चे ने आपको बता दिया कि आपका मेरे पप्पा जो है, मैं इन पप्पा के अंदर हूँ, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, पेरेंट चाइल्ड का जो है आपका रिलेशन समझ में आ गया, सिबलिंग का समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ है, अब हम ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं देता हूँ पप्पा को बुलाया मैंने, और मैं ये कर लेता हूँ, नहीं, फर्स्ट चाइल्ड को ही बुलाते हैं, फर्स्ट सन, ठीक है। और इसको मैं करूँगा फर्स्ट सन में, मैं इनको मालूम करता हूँ कि ये फर्स्ट सन में मेरे पास कौन सी टाइप है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास टैक्स है, जो हैश टैक्स मेरे पास जंक आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है वो जंक हो, ठीक है। तो जंक होगा तो मेरे पास नोड टाइप कुछ अलग होगी, ठीक है। और अगर मेरे पास एलिमेंट है, तो मेरे पास नोड टाइप कुछ अलग होगी। तो अब हमें मालूम करना है कि इनकी नोड टाइप क्या है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सन पे आता हूँ, और मेरे पास फर्स्ट सन पे कुछ मिल गया, मेरे पास जो है एलिमेंट आ गया, जो भी मैंने मालूम करना चाहा था वो मैंने मालूम कर लिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे मालूम करना है कि ये किस किस्म के, ठीक है। तो नोड टाइप, ठीक है, नोड की टाइप मालूम करना है, मतलब किस किस्म, किससे मुराद कि आप जो है ठीक है, किस तरह हम जो है इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आया है वन, ठीक है,
सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको सिर्फ कंसोल करवाऊँगा और मैं ये देखता हूँ कि मुझे सबसे पहले फर्स्ट सन में मिल क्या आ रहा है। फर्स्ट सन में मुझे क्या मिलेगा, आपका पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है, पैराग्राफ मिलेगा। तो इस पैराग्राफ में मैं, पैराग्राफ में आपके पास नोट टाइप क्या आ रही है, वन, ठीक है, नोट टाइप आपके पास आ रही है वन। अब मैं क्या करता हूँ कि ए डॉट चाइल्ड नोट ज़ीरो, अच्छा ज़ीरो पे मैं एक क्या काम क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपनी पुरानी वाली फॉर्मेटिंग जिसमें मेरे पास जंक आना चाहिए। अब हम सब पहले तो हमने ये मालूम कर लिया कि हमने एक आईडी से टारगेट किया, उसकी टाइप मालूम कर ली, ठीक है, ठीक है, अच्छा एक मिनट बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छा हमने जो है एक टारगेट मालूम, एक टारगेट हमने एक पैराग्राफ को टारगेट किया। पैराग्राफ को टारगेट करने के बाद हम जो है इसमें जो है हमने ये चेक करना है कि अगर मैं नेक्स्ट ज़ीरो पे करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जंक आना चाहिए, ठीक है। मैंने इसकी डेटा टाइप मालूम की, नोट टाइप मालूम की, तो इसने बताया मुझे वन, ठीक है। लेकिन अब मैं इसकी डेटा टाइप मालूम करूंगा जो कि मेरे पास एक बदतमीजी कर रहा है और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है टैक्स, जो कि मेरे पास कोड में बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो मैं इसकी डेटा टाइप मालूम करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया, मेरे पास नोट वैल्यू लिख दिया क्या मैंने, अच्छा यहाँ पर डॉट नोट टाइप, ठीक है, नोट टाइप, और मैं यहाँ पर इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आया थ्री, एलिमेंट है तो आपके पास आएगा वन, जंक है तो आपके पास आएगा थ्री। ये दो पैरामीटर हैं, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे इसके लिए क्या पैरामीटर इसको फिक्स किए गए हैं, लेकिन हमारे पास इसमें काम हमें इसी तरह करना है, और मतलब इसके ये फिक्स है, ठीक है। अगर आपका एलिमेंट है, एलिमेंट में आपका आएगा वन, अगर आपका जंक है, जंक में आपके पास आएगा थ्री, और इस कंडीशन को चेक करवाते हुए, मैच करवाते हुए आप कोई भी उसमें डाटा सेट भी कर सकते हैं, फीड भी कर सकते हैं, और तमाम काम जो है कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास थ्री आएगा तो उसमें तो आप कोई भी चीज़ सेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास वन आता है तो वन में आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, तो एलिमेंट में आप कोई ना कोई टैक्स वगैरह कोई भी आप इस तरह की चीज़ सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट टाइप, ठीक है, अच्छा एक और तीन का क्या मतलब है, नोट टाइप हमारे पास डिफाइन होती है दो पैरामीटर्स में, ठीक है, दो पैरामीटर्स में आपके पास डिफाइन होती है, और उस पैरामीटर में वन में आपके पास एलिमेंट, एलिमेंट अगर है आपके पास तो आपके पास टाइप आती है वन। अगर आपके पास कोई जंक आता है, जैसे कि अभी हमने देखा था हैश टैक्स लिखा हुआ था, तो उसमें आपके पास आती है थ्री, ठीक है, वन आता है या थ्री आता है, ये दो चीज़ें आती हैं आपके पास नोट टाइप में। इससे आपको पहचानना होता है कि ये आपके पास टेक्स्ट है या आपके पास ये जंक है, मतलब आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है। आपके पास ये सिर्फ ये दो पैरामीटर्स हैं, बहुत ही सिंपल से आप यूँ समझ लें ये दो साइंस हैं, ठीक है, और इन साइंस में आप इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नोट टाइप आप लोगों को बता दिया, ठीक है, नोट टाइप के बाद अब हम क्या चेक करेंगे के नोड टाइप, हमने ये तो चेक कर लिया वन और थ्री आ रहा है। हम अगर नोड नेम मालूम करना चाहें, यानी अगर कोई मेरे पास टेक्स्ट है या अगर कोई एलिमेंट आया है, तो हम उस एलिमेंट को मालूम करना चाहेंगे, ठीक है, उस एलिमेंट को मालूम करना चाहेंगे, गेट करना चाहेंगे कि हम अगर जिसको मैंने ये चेक किया है, क्या हमने इसको एलिमेंट जो एलिमेंट है हमें वो पता चल सकता है, ठीक है, वो हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, मैंने एक एलिमेंट को टारगेट किया एलिमेंट आईडी से, और मैं इसकी नोड नेम मालूम करूंगा, नोड नेम, ठीक है, इक्वल टू आपके पास पी आ गया, ठीक है, ये आपके पास पी, ये वाला पी है, ठीक है, या जो मैंने आईडी उठाई है वो आपका ये वाला पी है। इसने आपको ये बता दिया, ठीक है, आके आपको जिस नोड पर आप हैं उसमें आपका ये एलिमेंट है, ठीक है, इसमें आपका ये एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी तरह हमने क्या देखा था, नोड टाइप,
नोड वैल्यू, ओ सॉरी नोड वैल्यू तो हमने अभी नहीं देखी है, नोड टाइप और नोड नेम, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने देख ली हैं, फर्स्ट सिबलिंग देख ली और पेरेंट देख लिया। पेरेंट जो है हमारे पास पेरेंट नोड हमने देख लिया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर चार पैराग्राफ हों तो हम उनको चारों को कैसे करेंगे। मैं आपको कुछ देर में वो भी बताता हूँ कि चारों को किस तरह एक्सेस करेंगे। और अगर देखें, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपके एक एक फादर है, फादर के सामने चार आपके सन हैं, ठीक है। आप जो है इन चारों को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और आप एक एक करके भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आप स्टेप वाइज होगा ना ये, कि पहला पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो आपके अगर किसी एक को टारगेट करते हैं तो आप उससे ये पूछेंगे कि भाई आपसे बड़े वाले का नाम क्या है, ठीक है, या आप उससे ये पूछेंगे कि आपसे छोटे वाले का नाम क्या है, ठीक है। इसी तरह आप अगर पप्पा से पूछेंगे कि आपके पहले वाले सन का नाम क्या है, ठीक है, और आप इसी तरह पप्पा से पूछेंगे कि आपके लास्ट वाले सन का नाम क्या है। अब अगर बीच में बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, तो आप जो है उसको इंडेक्स से कॉल करेंगे, ठीक है, उनके नाम से इंडेक्स से ही कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने ये कहा कि टैक्स में तो कोई भी पी नहीं है, पी आपका ये एलिमेंट का नाम बताया है, यानी आपका पैराग्राफ, जो पैराग्राफ का जो टैग है वो टैग बताया है आप यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, जी, आपने एक पैराग्राफ को टारगेट किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय फर्स्ट सन, ये आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो पैराग्राफ का ये जो आपका टैग है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिव कर देता हूँ, ठीक है, डिव, और इसको भी मैं डिव कर देता हूँ, ठीक है। और डिव किया मैंने, ए में फर्स्ट सन है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे डिव आ गया, ठीक है। आप समझ में आ गया पी क्या है? पी आपका पैराग्राफ का टैग था, और डिव आपने अब जब डिव यूज किया है तो आपके पास डिव आ गया, ठीक है। जी ओके, तो आप लोगों को यहां तक क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट लाइन में मैं आया, ये जंक वाला स्पेस है, ठीक है। जंक वाले स्पेस में मैंने क्या किया कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। जंक वाले स्पेस पर मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, तो अब यहाँ पर मेरे पास जंक में क्या शो होगा, ठीक है। अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे इस ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी चाहिए, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए, तो आपने कोई भी कंडीशन आ सकती है कि आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ें लिखी हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पर किस तरह लिख सकते हैं, तो अब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए क्योंकि ये किसी टैग में नहीं है, ठीक है। इस पे एक टैग ओपन होने के बाद क्लोज होता है, उसके बाद जो दूसरा टैग है उसके दरमियान आपने लिखा है, यानी आपने जंक वाले स्पेस में लिखा है। तो इसकी वैल्यू मैं किस तरह टारगेट करूँगा, मैं यहाँ पर इसको टारगेट करता हूँ सबसे पहले एलिमेंट से, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैं क्या करूंगा, चाइल्ड नोड पर मुझे सबसे पहले वो जंक वाला मिलेगा, ठीक है, जीरो पे मैं चेक कर लेता हूं मुझे क्या मिला। मेरे पास यहां पर आपकी तमाम की तमाम वैल्यू मिल गई है। यहां पे आपका अगर वाइड स्पेस होता है आपका, तो ये यहां पे जंक होता। इसको मालूम करने का एक और तरीका भी है, आप यहां पे क्या लिखते हैं, डॉट नोड वैल्यू, ठीक है। नोड वैल्यू में भी आपका सेम यही आपके पास वैल्यू में आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। जी ये वाला टैक्स किस तरह हमने गेट किया है समझ में आ जाए।
मियाँ मोहम्मद, अगर आपका ये सवाल है कि आपने अगर बहुत सारे डिव हैं तो हम किस तरह इसको गेट करेंगे। सबसे पहले तो हम जीरो पे HTML में आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे बॉडी के अंदर, और फिर हम उसके अंदर आएंगे डिव के अंदर। उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से किस इंडेक्स पर आपका जो टारगेट करना चाह रहे हैं वो डिव पड़ा हुआ है। हम फिर उस डिव को इसी तरह डॉट चाइल्ड नोड के जरिए टारगेट करेंगे, ठीक है। नहीं, आपका ये जो कमेंट है, ये कमेंट आपका जंक फाइल में नहीं आता। जी, आपका कमेंट जंक आर्टिफिक्स में नहीं आता। ठीक है, ओके। अक्सर निसार जी फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ वैसे तो नॉर्मली फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कहीं पे वैसे जब आप काम कर रहे होते हैं इस तरह फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह के आपने अभी तक जो है इसको यूज़ नहीं किया था, लेकिन आपकी एप्लीकेशन चल रही थी, आपकी एप्लीकेशन रनिंग में थी, लेकिन अब आपने इसको यूज़ किया है। अगर आप डॉक्यूमेंट के ज़रिए इसको गेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इस तरह अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। कमेंट इसमें एक्सेस नहीं होता, कशिश फातमा, कमेंट इस पर एक्सेस नहीं होता, क्योंकि कमेंट आपका उसमें आपने कमेंट कर दिया है, उसको हम यहाँ पर वो HTML में जब रेंडर ही नहीं होता तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी को एक्सेस करेंगे जो HTML पर रेंडर हो रहा है, ठीक है। राजा आदिल, हम स्पेस की जगह पर कमेंट लिख देंगे तो आपने तो वो कमेंट कर दिया है ना, तो कमेंट में थोड़ी आएगा वो। कमेंट जब आपका आपकी इस वैल्यू में, अगर आप डॉक्यूमेंट में जो चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ही फाइल आपकी गेट करेगा जो आपने आपके पास HTML की फाइल पर आपके ब्राउज़र पर रेंडर हो रही है। कमेंट आपका रेंडर नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये वो नहीं होगा। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्पेस भी रेंडर नहीं होता, मतलब स्पेस जो आ रहा है, तो स्पेस आपका आपने इसको कमेंट नहीं किया हुआ, ठीक है। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप इसको वेब पर रेंडर नहीं करवाना चाहते, इसलिए आपने इसको कमेंट किया है, ठीक है। अब जब आप इसको रेंडर नहीं करवाना चाहते तो अब ये आपके पास गेट नहीं होगा, ठीक है। आपने बीच में जो स्पेस दिया है इसमें आपने यूँ समझ लें कि जैसे कि मैंने ये कहा, यहाँ पे एक बर्गर रखा हुआ है, ठीक है। बर्गर में मैंने किसी को कह दिया कि ये खाना नहीं है, ठीक है, अब आप वो खाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जिस सिर्फ रख दिया है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये वाली वैल्यू है, इट इज़ जस्ट लाइक अ बर्गर, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया है, अब मैंने इसको कुछ कहा नहीं है कि आपको खाना है या नहीं खाना है, तो मैं तो ऑब्वियसली खाऊंगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस है। डिव टैक्स, कौन सा टैक्स, ये वाला टैक्स, ठीक है। अच्छा, आपने जिस तरह पढ़ा था कि एक टैग से दूसरे टैग के दरमियान ये जो स्पेस होता है ये आपका जंक है, जंक में आपने जो भी टैक्स लिखा है वो आपका रेंडर होगा, ठीक है, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर रेंडर होगा, और जब आपने रेंडर किया है तो आपका वेब पेज पे भी रेंडर होगा, ठीक है। और जब आपका वेब पेज पे रेंडर हो रहा है तो आपके पास आपके यहाँ पे भी नोड वैल्यू में मिलेगा, ठीक है। तो आपको हम इसको एक्सेस करते हैं नोड वैल्यू से, ठीक है, नोड वैल्यू में आपकी ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, ओके जी, बिल्कुल। CSS की फाइल हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन क्लास चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डोम से, ओके। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है, अब हम आगे चलते हैं। नोड वैल्यू समझ में आ गया, हम जो है अगर इस टैग के दरमियान यहाँ पे जो स्पेस है, इस टैग को हम जो है गेट करना चाह रहे हैं तो हम जो है इसको नोड वैल्यू के जरिए इसको वो कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे कोई ना कोई क्लास देंगे, ठीक है,
और कोई ना कोई इस पे। अच्छा अब एक और सवाल ये आया था कि अगर एक ही डिव के अंदर बहुत सारे हों तो हम उनको किस तरह टारगेट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया है, पप्पा का एक आईडी उठाई, इस एलिमेंट को इसके डॉट चाइल्ड में जितने भी हैं, ठीक है, डॉट चाइल्ड में जितने भी हैं सबको मैंने क्या किया कि मैंने डॉट चाइल्ड में इसको कंसोल करवा दिया। कंसोल में आपके पास इसके जितने भी बेटे हैं तमाम के तमाम आपके पास एरे में आ गए। ठीक है, एरे में आपके पास जंक भी आ गया, देख रहे हैं आप, जंक भी आ गया, ये जंक भी आया, ये जंक भी आया, और आपके पास ये तमाम के तमाम इंडेक्स भी आ गए, और ये इसने आपको बता भी दिया। क्लियर है? ठीक है, तो जिसका ये क्वेश्चन था कि तमाम को किस तरह एक्सेस करेंगे, तो इस तरह एक्सेस करेंगे, चाइल्ड नोड, जैसे आप लिखेंगे चाइल्ड नोड तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास टाइम कितना है, हॉस चैप्टर, अच्छा चैप्टर तो मैंने देखा ही नहीं है, चैप्टर देख लेते हैं। बुक ओपन की थी हमने, जी हम थे चैप्टर 57 पर। ठीक है, और चैप्टर 57 पे हमने ये पढ़ लिया, टैग सम एलिमेंट बाय टैग नेम। अच्छा ये 57 तो हमने लास्ट में पढ़ लिया था। 58 पर आए, हमने ये समझ लिया कि डॉम हमारे पास किस तरह वर्क करता है। ठीक है, डॉम हम जो है डॉम पे हम किस तरह एग्जिस्ट करती हैं फाइल्स, और हम किस तरह इसको टारगेट कर सकते हैं। आपके पास ये दिखा हुआ भी, ये देखें, फर्स्ट लेवल पे आपके पास डॉक्यूमेंट, सेकंड लेवल पे आपके पास एचटीएमएल, हेड, टाइटल, ये आपका फिफ्थ लेवल है। ठीक है, यानी आपका मतलब आपके एक लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में फर्स्ट लेयर, फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड लेयर, और आपके पास इस तरह के लेयर्स पे काम हो रहा होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपकी सबसे फर्स्ट लेयर, उसके बाद एस टी एम एल सेकेंड लेयर। एस टी एम एल में मेरे पास दो चाइल्ड हैं, ठीक है, एक हेड है, एक बॉडी है। ठीक है, हेड में एक टाइट एक और चाइल्ड है जो कि टाइटल, और बॉडी के अंदर एक और चाइल्ड है जो कि है मेरे पास पैराग्राफ। ठीक है, टाइटल का एक चाइल्ड है जो कि आपने यहाँ पर नाम लिखा होगा जो कि टैक्स होगा, ये आपका चाइल्ड है। ठीक है, और इसी तरह पैराग्राफ का एक चाइल्ड है जो कि आपने इस पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको जो है ये समझ में आ रहा है कि आपके पास चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड से आपके पास किस तरह वर्किंग हो रही है, और आपकी जो है लेयर्स जो है किस तरह वर्क करती हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया। ठीक है, पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। ठीक है, पेरेंट एंड चाइल्ड में, ठीक है, पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन बहुत अच्छी तरह समझ लिया। ठीक है, इसी तरह, अच्छा अब यहाँ पर एक पैराग्राफ है, यहाँ पर एक कंडीशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने ईएम लगाया हुआ है। लेट सपोज मैं कोड लिख लेता हूँ, यहां पर मैं एक पैराग्राफ बनाता हूं। ठीक है, मैं यहां पर ईएम ठीक है, यहां पर पी का चाइल्ड कौन कौन है और पी के कितने चाइल्ड हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। पी के कितने चाइल्ड हैं, इस पैराग्राफ के कितने चाइल्ड हैं? जी
जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस पैराग्राफ के कितने चाइल्ड हैं? वन चाइल्ड, फोर, ओके, वन है, चाइल्ड है, वन है, वन ही चाइल्ड है ई एम, ठीक है। ये जो जो वन कह रहे हैं, फोर चाइल्ड है, फोर भी आ रहे हैं, ज़ीरो वन टू, ओके, वन चाइल्ड, फोर चेंज, ठीक है, वन है। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, इसके बेसिकली तीन चाइल्ड है। कितने चाइल्ड हैं? तीन हैं। पहला आपका ये वाला टैक्स, ठीक है, इसके बाद आपका ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इसको हम किस तरह समझेंगे, एक मिनट। इस पी के आपके पास कितने चाइल्ड हैं? फर्स्ट वाला ये, और सेकंड आपका ये वाला टारगेट, ये एलिमेंट, और थर्ड आपका ये वाला चाइल्ड, ठीक है। ये आपके तीन चाइल्ड हैं, ठीक है। आपके पास अगर बीच में कोई एलिमेंट आ जाता है तो इससे पहले वाला आपका ये फर्स्ट चाइल्ड बन जाता है, सेंटर जो एलिमेंट है वो आपका सेकंड चाइल्ड, और इसके बाद जो आता है वो आपका थर्ड चाइल्ड। आप लोग इसमें खुद देखेंगे कि आपके पास पी के बाद इसके सिबलिंग में क्या है, ठीक है। अगर सम का सिबलिंग देखेंगे, नेक्स्ट सिबलिंग देखते हैं, तो हमारे पास मिलता है ये एलिमेंट, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस एलिमेंट का प्रीवियस सिबलिंग देखते हैं, जो हमारे पास मिलता है ये वाला टैक्स, ठीक है। तो ये टैक्स अलग चाइल्ड है, ये एलिमेंट अलग चाइल्ड है, और ये वाला टैक्स आपका अलग चाइल्ड है, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये एक थोड़ी सी लॉजिक थी, ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आपको बिल्कुल सेम यही है। अच्छा, अब पी एलिमेंट के अंदर, ई एम के अंदर भी जो है अलग से एक चाइल्ड है, ठीक है, जो आपने टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग चिल्ड्रंस। ये हमने देख लिया चाइल्ड नोट करके, जो हम जिस तरह जा रहे थे वो हमने यहाँ पर देख लिया है, ये वाला तरीका, चाइल्ड नोट फिर डॉट करके, फिर हम उसके अंदर चाइल्ड नोट में गए, फिर हमने दोबारा डॉट किया, फिर उसके अंदर वाले अंदर वाले टैग में गए। तो ये हमारे पास पेरेंट चाइल्ड का ये रिलेशन, और चाइल्ड नोड में हमने जिस तरह एक्सेस करना है वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। जंक आर्टिफिक्स हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ ली है, ठीक है। जंक आर्टिफिक्स हमारे पास ये हो गया है, चैप्टर 61 भी हो गया। इस तरह का हमारे पास कुछ इस तरह का टैक्स आता है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये हमारा टैक्स हमने देख लिया है, ठीक है। जंक आर्टिफिक्स रिजॉल्व किस तरह कर सकते हैं, ये भी हमने इस तरह करके चेक कर लिया है, ठीक है। इसके बाद ये एक वेरिएबल है, एक लूप है, ठीक है। ये आपको चलाया हुआ है चेंज करने के लिए, ये आप खुद से चला के देखेंगे, ठीक है। आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चैप्टर भी हमारा हो गया। 62 में मोर वेज ऑफ टारगेट एलिमेंट, आपने चाइल्ड नोड जीरो पे किया, फर्स्ट चाइल्ड पढ़ लिया, चाइल्ड नोड मतलब लास्ट चाइल्ड पढ़ लिया, फर्स्ट चाइल्ड पढ़ लिया, ये भी आपका क्लियर हो गया। प्रीवियस सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, ये भी आपने पढ़ लिया, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सिबलिंग और ये आपका प्रीवियस सिबलिंग, ये भी आपका क्लियर हो गया। इस तरह भी हम इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। 63 में हमने पढ़ा नोड टाइप। नोड टाइप हमारे पास किस तरह, कितनी तरह की होती है? दो तरह की, एक में आता है वन, एक में आता है थ्री। वन वाले में आपके पास, जिसमें आपके पास जो है, आपके पास टेक्स्ट होता है उसमें आता है वन, और जिसमें आपके पास जंक होता है उसमें आता है थ्री, ठीक है, ओके। नोड नेम में आपके पास टैग का नाम आ जाता है, और ये हमारे पास ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो हमने 63 तक आपने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, और तमाम चीज़ें ये आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हम चलते हैं सर अली की तरफ, जो कि कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच बासित फॉर योर एफर्ट्स एंड एक्सप्लेन।
एक्सप्लेनेशंस। मोबाइल से ना कहाँ से मेरा आ गया शायद, बस ये सही है, ठीक है। अच्छा देखिए, डॉम बासित ने माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया और बहुत आसान करके करवाया, जो उनके इंटेंशंस थे उसके मुताबिक उसने थोड़ा इंटरटेनिंग करने की भी कोशिश की और बहुत माशाल्लाह से बेहतरीन। उससे पहले गौस ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से स्टॉपवॉच आपको बनाना सिखाया। अच्छा थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ कुछ चीज़ें जो बासित मिस कर दिया है वो, अच्छा इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जो मेजर चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली है बासित ने। तो कुछ चीज़ें डॉम के हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अच्छा जब हम डॉम की बात करते हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, सही है। अच्छा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़, अ पीस ऑफ पेपर इज़ अ डॉक्यूमेंट, सही है। हम जब वेब की बात करते हैं तो द ब्राउजर स्क्रीन इज द डॉक्यूमेंट, राइट। वॉइस क्लियर है? हाँ स्लो आ रही है, चलिए। अच्छा जी, तो हम जब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट जब हम वेब की बात करते हैं तो हमारा जो ब्राउज़र की स्क्रीन होती है वो हमारा डॉक्यूमेंट है, बिकॉज वॉट एवर वी बिल्ट वी रेंडर ऑन द स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन? ब्राउज़र की स्क्रीन ऑब्वियसली, बिकॉज वेब आपकी ब्राउज़र पे चलता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट फॉर अस। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपके पास, आगे चल के हम जब ऑब्जेक्ट को, जो टॉपिक भी आ रहा है तो उसमें हम मजीद इस चीज़ को समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझ ले, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, सही है। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, कोई भी एक 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 पूरा हिरार्की है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, सही है। एक हिरार्की, हिरार्की क्या होता है? पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। मॉडल क्या है? मॉडल आपका जो भी चीज़ आपके सामने रेंडर हो रही होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग की बात की जाए तो वो बिल्डिंग का मॉडल है कि जो एक फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग, बेसमेंट में कोई चीज़, नीचे की शॉप्स, ऊपर की रेजिडेंसी, दिस इज़ अ कंप्लीट मॉडल जो पहले बनता है। तो आपके वेब का भी एक पूरा मॉडल होता है कि जो आप क्रिएट करते हो। सो दैट इज़ डॉम, दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा आप लोगों को खुद नहीं पता, आप लोग डॉम फॉर द लास्ट टू क्लासेस पढ़ रहे हो। वो कैसे पढ़ रहे हो? जैसे हमने इवेंट्स में बात की डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या हमने बात की डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, या हमने बात की उसमें डॉट वैल्यू की बात की, डॉट इनर एचटीएमएल की बात की। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? वो आपकी डॉक्यूमेंट में डिफरेंस, वहाँ यूएसबी है वो देना बस। तो ये सारी आपकी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। अच्छा थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगर बताऊँ, तो अगर हम बुक खुली है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप हम यहाँ पे देखें, जो बुक की एग्जांपल भी गिवन है, दिस इज डॉम, ठीक है। अगर अच्छा ये क्यों डॉम है? क्योंकि डॉक्यूमेंट इज ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज, और उसके बाद आपके पास स्क्रीन मैंने शेयर किया, हाँ ओके। उसके बाद एचटीएमएल आपके किस जीरो इंडेक्स पे मौजूद है? वन इंडेक्स में आपके पास दो एंटिटी है, वन इज द हेड, अनदर इज द बॉडी। फिर आपके पास क्या है? फोर्थ में आपके पास टाइटल है और डिव है। अच्छा डिव, टाइटल के अंदर आपने क्या डाला है? टेक्स्ट डाला है, जो भी आपके पास यहाँ पे नजर आता है। इसी तरीके से डिव के अंदर आपने दो पी के एलिमेंट्स डाल दिए हैं, और हर पी के एलिमेंट के अंदर आपने एक टेक्स्ट डाला है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंप्लीट हायरार्की, दैट इज पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। जो बासित बताने की कोशिश कर रहे थे, फादर बेटे के रिलेशनशिप, ये सारा डॉम पे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। अच्छा अब हम देख लेते हैं कि कोई चीज़ बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। चलो ये हम मेटा के टैग वगैरह हटा देते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जस्ट, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें बनी हुई, ओके चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आ जाते हैं। मेरे ख्याल से खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। अच्छा अब अगर मैंने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ,
ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं अगर कंसोल में आता हूँ, ठीक है, अच्छा कंसोल में अगर आप देखें तो ये सारे आपके पास टेक्स्ट गिवन है, सही है। अच्छा इसी के अंदर जंग आर्टिफैक्ट्स भी है। चलो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको सिंपल करते हैं, सही है। अच्छा अब अगर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट ऑल करता हूँ, सही है, तो ये पूरा आपके पास सारी एलिमेंट्स आ गई। अच्छा इसमें मैं कोई इंडेक्स नंबर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 4 और मैंने एंटर किया, तो फोर्थ एलिमेंट में मेरे पास क्या मौजूद है, टाइटल मौजूद है। जो चाइल्ड नोड के थ्रू बासित ने आपको समझाया है ना, ये देखें ये उस वक्त काम आता है जो ये कोड डॉम है, जो आप कर रहे थे ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय टैग नेम, उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज कर रहे थे, इन एचटीएमएल चेंज कर रहे थे, क्लास नेम के थ्रू, आईडी के थ्रू, ये सारी चीज़ें। अच्छा मेजर क्या होता है, आप आईडी के थ्रू चेंज करते हैं, क्लास नेम के थ्रू चेंज करते हैं, टैग नेम के थ्रू आप डॉम में मैनिपुलेशन यानी चेंजेस लेकर आते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेसिकली आपके पास डॉक्यूमेंट है पूरी। अच्छा अभी तक हमने ये सीखा कि HTML में डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट आप अपनी HTML को चेंज कैसे कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट, दिस इज डॉम इज ऑल अबाउट। चाइल्ड नोट और आप जब इंडेक्स नंबर दे रहे हो 0, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके HTML को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट उसके बाद चाइल्ड नोट 1 दे दिया आपने, तो 1 पे क्या है आपके पास, 2 है, 0 पे हेड है और 1 पे बॉडी है, राइट। HTML के अंदर 2, जब हम HTML को शुरू कर रहे थे तो हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि HTML के 2 चाइल्ड है, एक हेड है और एक बॉडी है। जब हम हेड की बात करेंगे तो हम 0 इंडेक्स की बात करेंगे, जब हम बॉडी की बात करेंगे तो हम 1 इंडेक्स की बात करेंगे। सो ये आपके पास थ्रू आउट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। इसमें जो जंग आर्टिफैक्ट्स होता है ना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये पार्ट ऑफ आपकी वेब है। अच्छा जैसे ये जंग आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है, ये जंग आर्टिफैक्ट्स बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लिखते हो div, राइट, और आप जब नेक्स्ट लाइन में, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, तो आपने ये लिखा div का टैग, राइट, एंड देन यू प्रेस एंटर, ये जो एंटर है ना ये बेसिकली एक टेक्स्ट है, ये स्पेस एक टेक्स्ट है जो कि आपके पास पार्ट ऑफ द HTML बन जाता है, यानी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ये यूजलेस है, जिसकी वजह से इसको हम जंग आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। जंग क्या है, समथिंग विच इज यूजलेस। इसको आप किस तरीके से ओवर कम कर सकते हो, यूजिंग द कोड गिवन ओवर हियर विच इज नेवर बींग फॉलोड, वेरी फ्रेंकली। तो ये चीजें जंग आर्टिफैक्ट्स बिल्कुल है, ये स्पेस भी क्रिएट करते हैं। अच्छा बहुत लंबा कोड हो जाए तो हर जगह जो स्पेस है वो एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, वो आपका पार्ट ऑफ द वेब की फाइल का साइज बनता है, तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम इसको जंग आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो दिस इज डॉम इज ऑल अबाउट। इसमें कुछ और चीज़ें भी है जो आज की चीज़ें कवर हुई है, तो उस हवाले से आपको समझाया गया है कि ये चीज़ें क्या है। अच्छा डॉम प्लेज द वाइटर रोल व्हेन यू वांट टू चेंज द डॉक्यूमेंट। आप अपने HTML को चेंज करना चाहते हो, वंस द HTML इज ऑलरेडी बींग मेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट हम वो कहते हैं कि वो चीज़ जो डायनेमिक हो रही हो। एक होती है स्टैटिक, जो हमने HTML CSS के थ्रू स्टैटिक वेबसाइट भी बनाई। एक होती है डायनेमिक फंक्शनैलिटी, चैट एप्लीकेशन है, यू रोट समथिंग व्हेन यू प्रेस एंटर वो आपके पार्ट ऑफ द HTML बन जाता है, बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, द डायनेमिक फंक्शनैलिटी, जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। तो जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप अपने HTML को चेंज करते हो, यानी कोई एलिमेंट को आपको इंसर्ट करना है, या कोई एलिमेंट को आपको, कोई कंटेंट को आपको डिलीट करना है, आप जब क्लिक करते हो ना, कोई स्टेटस डाल देते हो, पीछे अब्बा कहते हैं बेटा ये क्या तू सिगरेट पीने वाली पिक्चर डाल रहा है, तो फिर आप अचानक से जाते हो और 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो और डिलीट पोस्ट करते हो, तो वो हो क्या रहा है, वो डॉम में चेंजेस क्रिएट हो रही है यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। तो हमने जो अभी तक सीखा वो सारी चीजें डॉम दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मैनिपुलेशन सीखी है। इस पे कुछ और हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ऑन द नेक्स्ट क्लास, यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये चीजें हो क्या रही है। देखिए अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, थ्योरी सीख रहे हो,
एंड द वे बासित हैज एक्सप्लेन टू यू इज कम्प्लीटली ओके, बहुत बेहतरीन। कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि नहीं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, इस वजह से उनको इशू आ रहा था। यू हैव टू फोकस द थिंग्स अप ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। सो आई होप कि डॉम क्या होता है, उस पर काम यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, उसमें कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के हवाले से है। वी हैव प्रोबेबली डन विद चैप्टर नंबर 63। बस इत ठीक हो गया। तो ये आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहीं पर आता हूँ, डॉक्यूमेंट में आता हूँ और मैं लिखता हूँ, ये तो मैंने डॉट ऑल किया है तो मेरे पास थ्रू आउट आ गया। मैं सिंपली लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट हेड, सही है? तो मैं जब हेड करूँगा तो हेड सिर्फ हेड उठ के आ गया, यानी मैं अभी कंसोल में मौजूद हूँ। कंसोल में क्या चलता है? जावास्क्रिप्ट चलती है, यानी कंसोल के अंदर से मैंने पूरी एचटीएमएल उठा ली हेड की और हेड के अंदर मेरे पास जो जो एलिमेंट थे सब उठ के आ गए। सो दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड दिस इज व्हाट यू पीपल आर डूइंग ऑन द डॉम फॉर डूइंग द चेंजेस, सम डिलीटिंग, सम चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट और सम एडिंग। कुछ ऐड करना है तो वो भी आप डॉम के थ्रू कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसको और मजीद एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इफ देर इज एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट अस नो और देन वी शैल वाइंड अप विद द क्लास। असाइनमेंट, अच्छा असाइनमेंट के हवाले से यार दिस इज मतलब बच्चे पूछ रहे असाइनमेंट। मेरे तो जहन में था कि मैं इस वीक आप लोगों को जो है थोड़ा रिलैक्सेशन दूंगा, बट माशाल्लाह से आप लोग बहुत डेडिकेटेड लोग हैं एंड वी रियली लव द डेडिकेशन यू पीपल आर शोइंग टूवर्ड्स दिस कोर्स। कोई असाइनमेंट देना नहीं था बट अब मैं दूंगा, तीन चार तो देना बनता है यार, इतना शौक है इनका। तो असाइनमेंट बेसिकली आप लोगों का ये होगा कि एक तो आपको स्टॉप वॉच बनानी है, दूसरा पहले से मुझे स्टॉप वॉच देना था बट क्योंकि आप लोग इतनी चाहत रखते हो असाइनमेंट का, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इनको जावास्क्रिप्ट के चैप्टर नंबर 38 तक दिया था ना, तो 39 से लेके 63 तक हम इनको दे देते करने के लिए क्वेश्चंस, सही है? वैसे मुझे ये देने का इरादा नहीं था बट द काइंड ऑफ विलिंगनेस, द काइंड ऑफ चाहत, द काइंड ऑफ लगन, द काइंड ऑफ हिम्मत, द काइंड ऑफ ठीक हो गया। तो एक तो स्टॉप वॉच आपको बनानी है, दूसरा हम आपको क्वेश्चंस देंगे वो आप लोगों को करना है। क्वेश्चंस डेफिनेटली ज़्यादा हैं तो फिर हम आपको टाइम उसका थोड़ा ज़्यादा देंगे। और गॉस कह रहे हैं कि सर हो सकता है हम इनको कोई मज़ीद एप्लीकेशन बनाने के लिए भी दे दें, तो बिल्कुल ठीक है। एंड इफ देयर इज़ एनीथिंग यू पीपल वॉन्ट टू आस्क प्लीज़ डू लेट अस नो और शैल वी वाइंड अप विद द क्लास, क्योंकि बाहर मौसम बहुत औसम है और बारिश होने के चांसेस हैं और हमारे हाँ गौस कह रहे भाई सर हमारे बच्चे रो रहे हैं। तो गौस भाई आपने तो हमें बुलाया भी नहीं शादी में, कब हुई? अच्छा चलो, नहीं भाई गौस भाई इज सिंगल, सो अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा जी ठीक हो गया। सर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं प्लीज़ इस वीक ना दें। मियाँ हमाद भाई वो यूनिवर्सिटी जो आप लोगों से पर सेमेस्टर कितना फीस लेती है 80-90 हज़ार रुपये ले रही है, और सिंपली बहुत क्लियर बात है क्या बना रही है आप जानते हो, सही है? तो आप मुझे बताओ उनके एग्ज़ाम्स की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे असाइनमेंट की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम ये कह रहे हैं 5 क्लास के बाद आप एक महीने के अंदर $500 बना सकते हो। $500 कितने होते हैं गॉस? गॉस आजकल बहुत डॉलर कमा रहा है, 75-80,000 रुपीज़ आप 4-5 क्लास के बाद बनाएंगे। और गेम डेवलपमेंट जो जावास्क्रिप्ट पे ले हो रही है उस पर 4-4 लाख रुपए, तो वो उसकी बात कर रहे हो तो। और देखो यार ये मतलब हम कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग इस कोर्स का क्या चीज़ करवा रहे वो हम जानते हैं, उसके 4-4 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो भी 4 महीने के कोर्स के, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर। तो भाई हमारी कॉम से एक ही इल्तजा है, बेवकूफ़ बनना बंद हो जाओ,
तो पता चला कल मेरे पास कोर्ट का नोटिस आ जाए। अच्छा मैंने उसका नाम नहीं लिया वैसे, तो ठीक हो गया। ठीक हो गया। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।